लाइट आपकी। चलिए जाएगी, ठीक है, 5-10 मिनट में आ जाएगी, आप कंटिन्यू हो हाँ चलता हूँ। ठीक है। तो आप ऐसे, सर हाँ ऐसे, ज्वाइनिंग देखिए कितनी फास्ट है सर, ज्वाइनिंग कितनी फास्ट हो रही है। अरे सर आपका प्रताप है सर ये तो। अरे चलो सर ये आपके ना। नाम का प्रताप है सर, मुझे तो बहुत भारी पता लगा और मैं हरदास आपसे बड़ा नाराज हूँ कि सर इतनी शख्सियत को इन्होंने इतनी देर बाद मुझे बताया। बताइए कैसे हैं बाकी सब। चलिए सर, समय हाँ तो करिए करिए सर करिए प्लीज। ये हो गया, तो इसमें ज्वाइनिंग होते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन करवाते जाइए सर, तो है ना, करवाते जाते हैं। अभी इंस्ट्रक्शन शुरू मत करिए सर, सुनिए पहले हाँ ज्वाइनिंग परफेक्ट हाँ पूरी हाँ हो जाने दीजिए, उसके बाद बिल्कुल जब परफेक्ट हम शुरू करेंगे तब करिएगा, लाइट अभी ज्वाइनिंग होने दीजिए। लाइट जला दूँ मैं, आ जाएगी। बोलिए जला बोलिए। चलिए धीरे धीरे ज्वाइन होते जा रहे हैं, तो उसका मगे उठाए दिन थोड़ा बहुत तो नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल से क्या है वहां सेट हाँ ठीक है ना। अभी हुआ आपका, तो फिर दिन में नहीं आया ना फिर दिन। हाँ ये, हाँ ठीक है ना। और चलिए ज्वाइनिंग है ना, ये 11:30 से स्टार्ट कर देंगे, तो ज्वाइनिंग तो लगभग लगभग सभी के माइक बंद है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सभी के माइक बंद है। अच्छा अब हरदा लोग साहब, हरदा हाँ साहब, हरदा सर, हाँ अब हाँ सर बताइए सर। अगर ये मैं अगर कुछ डायरेक्ट मैं इसे शुरू करूंगा ना, मेरा चेहरा वगैरह पहले दिखाएंगे, डायरेक्ट कैसे करूंगा मैं, पीपीटी से नहीं करूँ ना मैं तो। अच्छा नहीं आप थोड़ा सा बता दीजिए अपना वो करके, है ना, 1-2 मिनट, 3 मिनट आप हाँ बोल ले। वैसे हाँ बेहतर ये रहता कि शुरुआत आप तो फिर आप अपना वेबिनार ऑन करेंगे, वो ज्यादा ठीक रहता है, पहले फिर थोड़ा आप अपना सा, प्रेजेंटेशन ऑन करिए। अगर अभी बंद कर लें इसे, जिस समय पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्क्रीन पर आप आएंगे, फिर उसके बाद आप प्रेजेंटेशन अपना हाँ शुरू कर तो रहा हूँ करके बोल के हाँ बंद हाँ तो करिएगा। अभी, हाँ तो अभी स्टॉप शेयरिंग कर दूँ ना, यही बोल रहा हूँ मैं। हाँ स्टाफ कर दिए शेयर कर दिए, राइट हाँ स्टाफ राइट शेयरिंग कर दी है ना। और उसके बाद जैसे आप कम से कम 2-3 मिनट अपना थोड़ा ब्रीफ कर दें, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन चालू करिएगा, है ना। तो वो मेरे थोड़ा पीपीटी में भी है थोड़ा सा, हाँ वो हाँ मैं ठीक है, आपको तो है ना, वो चीज़ आ जाएगी क्लियर, है ना। पार्टी है वो पार्टी। करिए और अभी ठीक दिख रहा है हरदा साहब? हाँ ठीक आ रहा है, यस सर, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, यस। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये टाइम भी लगभग लगभग जैसे 5 मिनट का टाइम है, तो ज्वाइनिंग होती जा रही है। यस हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं, विवेक मोहन जी हैं यहाँ पर और हाँ ये दिलीप जी आपके भी ही यहाँ हैं। पर सर दिख रहे हैं। यस यस राघव गुड जी मॉर्निंग सर। हमारे साथ आइए। सर एक सर क्वेश्चन था सर। सर हाँ ये अटेंडेंस शीट में, सर ये अटेंडेंस शीट में सर वेरिफिकेशन सर कोड का सर पूछ रहे हैं सर। नहीं सर वो बिल्कुल शेयर किया जाएगा आपसे और बार बार शेयर किया जाएगा, वेबिनार के हाफ के बाद से हम लोग शुरू करेंगे इसे। जी जी सर एक्चुअली अभी ओके, सर और मैं मैं चाह आपके रहा हूँ। चैट बॉक्स में भी उसे चैट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। जी जी सर थैंक यू सर। हरदा ओके ओके जी ओके मैं, हरदा जी, हाँ सर सर हरदा सर, हाँ बताइए सर। मैं 1 मिनट के लिए माइक, यस मैं 1 मिनट के लिए माइक म्यूट कर रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ, हाँ एक मिनट हाँ चलेगा ना? हाँ बिल्कुल कर लीजिए बिल्कुल आप, बिल्कुल हाँ डोंट आप वरी तो डोंट वरी, बिल्कुल आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, है ना। माइक म्यूट बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल हाँ। इसमें भारती जी दिख रहे हैं हमको, है ना, यस रामलखन सर। आप मतलब बात भारती जी मुझे दिखे हैं? यस 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 हाँ। चलिए भाई नमस्कार भारती जी, वेरी गुड बिल्कुल वेरी गुड। हाँ नमस्कार। जी भारती जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, जी जी राघव प्रभार साहब। विवेक मोहन पाठक जी नमस्कार। हाँ ये रिया पांडे को बाहर कर, ये प्रेजेंट नहीं करें इसमें, है ना। देखो मैंने तो तो जो, एक मिनट, वो रिया को पहले बात है, देखो बेटा किसी को प्रेजेंट नहीं करना है, आप प्रेजेंट करेंगे तो स्क्रीन पर हमारा प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होता है। इसमें ध्यान दें जो भी पार्टिसिपेंट हैं, आप अपना माइक और कैमरा ऑफ कर लें, हमारी आवाज आप तक आएगी। और आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विजय सुखवानी जी, वो प्रेजेंटेशन अपना प्रेजेंट करेंगे, तो बाकी लोग कृपया प्रेजेंटेशन शेयर ना करें। यस अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हाँ GHS किथा साहब दिख रहे हैं मुझे, नमस्कार सर। हाँ 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 एक मिनट के लिए माइक ऑन कर सकिए आप, तभी नमस्कार की आपकी आपसे बातचीत हो पाएगी। जी सर नमस्कार, मैंने कहा।
हाँ किधर सर जी 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 एच एस सर, माइक ऑन कर लें सर तो आवाज आपकी आ जाएगी, फिर बंद कर दीजिएगा। जैसे आशुतोष तिवारी ने प्रेजेंट किया, इस तरह आशुतोष जी आप प्रेजेंटेशन बंद करें प्लीज। राइट राइट चलिए है ना, तो ये टाइम लगभग लगभग होने जा रहा है, प्रेजेंटेशन भी मैडम आ गए हैं। मैडम जिनवानी जी दिखी, मैडम जिनवानी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन सर, सर नमस्कार, नमस्कार सर। मेरा माइक चालू रहेगा। गुड मॉर्निंग सर एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। यस सर, थैंक यू सर। ओके मैम, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आलोक यादव जी दिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग आलोक यादव जी। अंकिता ने ज्वाइन किया हुआ है, अंकिता। यस सर, आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विजय सिखवानी जी वो प्रेजेंट करेंगे, इसलिए बाकी लोग अपना माइक म्यूट करें। और हाँ ये शिवम प्रेजेंट मत करो एसके, हाँ स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ गुड मॉर्निंग अर्दा सर, गुड मॉर्निंग जुड़िया सर, गुड मॉर्निंग। हाँ आलोक यादव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ प्रयास है, बहुत अंदर प्रयास है। चलिए सर आप लोग जुड़े, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग कम से कम ज्वाइन कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रयास तभी सफल होंगे सर। ओ त्रिपाठी जी, प्रदीप त्रिपाठी सर नमस्कार, आदरणीय नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग त्रिपाठी, प्रदीप भाई वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो काफी प्रेजेंस हो गई है उनको, है ना, ज्वाइन करवाएं, शुरू करें। थोड़ा सा जस्ट विल टेक 2 मिनट मोर, बस जस्ट 2 मिनट्स। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज ध्यान दें कि जब भी आपको बोलना हो उसी समय माइक अपना ऑन करें और बाकी समय माइक को म्यूट में रखें, तो आपको एकदम क्लियर वॉइस आएगी। रादर आपने प्रेजेंटेशन के बाद में हम लोग ने क्वेश्चन सेशन भी रखा हुआ है, और इस बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चन मन में आते हैं तो आप चैट बॉक्स में उसे छोड़ दीजिए, हम यहाँ कलेक्ट करके फिर उसे टेकअप कर लेंगे। तो हता सर, हाँ सर, इस सुपारी साहब के यहाँ कुछ लाइट का इशू है इसलिए वो थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, विल टेक जस्ट 2 मिनट मोर है। चलिए है ना, और इसमें
एक्चुअली वाली साहब के यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो गई तो बेचारे ठीक है। वाली जी तो एक मिनट देखते हैं कुछ अर्जेंट कैसे सर सीट पर आते हैं हम लोग। हाँ सर सुखवानी सर शुरू करें। हाँ सर जी सर बिल्कुल सर। हाँ चलिए सर शुरू करते हैं। कंफर्टेबल? हाँ हाँ आज के इस वेबिनार कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने का मूल मंत्र नहीं नहीं इस विषय पर आज का ये हमारा वेबिनार आयोजित किया। आज के इस वेबिनार के जो मुख्य वक्ता है हमारे डॉक्टर विजय कुमार सुखवानी साहब तकनीक पर कार्यरत है और प्रोफेसर सुखवानी साहब ने अपनी बैचलर्स MITS ग्वालियर और अपनी मास्टर्स SGS-ITS इंदौर से की हुई है, जबकि आपकी PhD डॉक्टरेट आपने IIT बॉम्बे मुंबई से की हुई है। डॉक्टर सुखवानी साहब एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही, साहित्य के जगत में डॉक्टर विजय सुखवानी और उनकी कविताओं को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मैं आज के इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर R.K. हरदहा जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सतना के सीमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष भी हैं और साथ में ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं, मैं प्रोफेसर आधार से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर सुखवानी साहब को आमंत्रित करें और आज के इस वेबिनार का शुभारंभ करें। प्रोफेसर R.K. हरदहा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज के इस वेबिनार में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सतना की ओर से मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विजय कुमार जी सुखवानी। आप राष्ट्रीय स्तर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ में ही नेशनल लेवल के पोएट भी हैं। उनकी कविताएं और शायरी का जो प्रसारण है नेशनल चैनल पर कई बार हो चुका है। आप IIT मुंबई से PhD हैं और मालवा क्षेत्र में आप अपनी शायरी के लिए बहुत ही विख्यात हैं और आज का ये जो टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वेबिनार में हमसे गूगल मीट पर सभी अलग अलग प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं और साथ में एजुकेशनल फैकल्टी जो है अलग अलग कॉलेज से वो भी इसमें जुड़ी हुई है। तो मैं आज के जो स्पीकर हैं, एक्सपर्ट हैं आज के वेबिनार के डॉक्टर विजय कुमार जी सुखवानी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आज का प्रेजेंटेशन शुरू करें और जो हमारी ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डेफिनेटली वो इससे लाभान्वित होगी। और आज का जो अटेंडेंस का जो वेरिफिकेशन कोड है ये ड्यूरिंग सेमिनार आपको बताया जाएगा, तो कृपया ध्यान रखें जब भी वेरिफिकेशन कोड आपको बताया जाएगा उसको नोट कर लें। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय सुखवानी जी को, हम सभी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज डॉक्टर सुखवानी जी आए। नमस्कार मित्रों। नमस्कार सर, वेलकम। हेलो जी, जी मैं डॉक्टर सुखवानी, जैसा कि हरदा साहब ने अभी मेरा परिचय दिया, जड़िया साहब ने भी परिचय दिया, मेरा परिचय दिया जा चुका है, मैं ज्यादा इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आज एक सेशन आपके साथ कंडक्ट करने वाला हूं, इसका टॉपिक जैसा कि सर ने बताया सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर उन छात्रों के लिए जो अपने करियर के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको नमस्ते कहना चाहूंगा। नमस्ते। आप कहेंगे कि नमस्ते के लिए एक स्लाइड बर्बाद करने की क्या जरूरत थी, तो यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये नमस्ते कोई बहुत साधारण अभिवादन नहीं है, ये कोई हेलो हाय नहीं है। यहां अगर आप किसी
किसी को नमस्ते कहते हैं तो इसका मतलब है कि मैं आपका अभिवादन करता हूं। माय सोल रिकॉग्नाइज योर सोल, मेरी आत्मा आपकी आत्मा का अभिवादन करती है। आई ऑनर द लाइट लव ब्यूटी ट्रूथ एंड काइंडनेस विद इन यू, मैं आपके अंदर के सौंदर्य, आपके अंदर की उदारता, आपके अंदर के प्रकाश को मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसा करने में मैं आपके और अपने बीच कोई फासला, कोई दूरी महसूस नहीं करता, क्योंकि यही सारी चीजें मेरे अंदर भी विद्यमान है। अर्थात ये एक हमारी संस्कृति का एक अभिवादन है जो मैं अपनी तरफ से आपको प्रेषित कर रहा हूं। फिर कहूंगा नमस्ते, पोएट हूं, राइटर हूं, थिएटर आर्टिस्ट हूं, एंकर हूं, मैं आईपीआर एक्सपर्ट भी हूं। आईपीआर मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार। इस विषय पर मैं कई प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं, ये मेरी एक एरिया है मेरा। बाकी चीजें मेरे बारे में बताई जा चुकी है। मैं उज्जैन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं। ये मेरी वेबसाइट है drvijaysukhwani.com और ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर विजय सुखवानी। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पे मोटिवेशनल वीडियो लगातार अपलोड करने वाला हूं आने वाले दिनों में। तो विजय सुखवानी, डॉक्टर विजय सुखवानी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, ये मेरी दरख्वास्त है। और एक रिक्वेस्ट इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं आप सभी से करना चाहूंगा। हरदा साहब, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी 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 जी, पीपीटी दिख रहा है क्लियर? फुल स्क्रीन पे आपका आ रहा है पीपीटी। चलिए सर, कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ आपकी अनुमति से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले, आप इस वेबिनार कक्ष में आने के पहले, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे स्ट्रेसेस, अपने सारे टेंशन, अपनी सारी नकारात्मकता, अगर विजाती तत्व कोई है तो उसे बाहर रख दें। हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां से आप एक बहुत पॉजिटिव एक यात्रा करने जा रहे हैं आप, इसीलिए इन सारी चीजों को इस वेबिनार कक्ष के बाहर रखें, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि एक शुभ चर्चा हम करने वाले हैं काबिलियत अपनी सफलता के लिए, तो मैं चाहूंगा कि हम कोई भी अच्छा कार्य करने के पहले परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें, जिन्होंने हमें अद्भुत मानव जीवन प्रदान किया, हम उनके प्रति अपने आभार की अभिव्यक्ति करें। इसके पश्चात हम अपने माता पिता और अपने समस्त पूर्वजों के श्री चरणों में नमन करें। ऐसा मुझे लगता है किसी अच्छे कार्य को करने के पहले ये अति आवश्यक है। इसके उपरांत मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का जो मेरा जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो आउटलाइन है, जो रूपरेखा है, वो कुछ इस प्रकार होगी। यह है वाई वी नीड मोटिवेशन। चूंकि एक मोटिवेशनल वेबिनार है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन की हमारे जीवन में क्या अहमियत है, क्या जरूरत है। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो सफलता के रहस्य क्या है, सफलता के मंत्र क्या है, सफलता कैसे मिलती है, इस बारे में बताना चाहूंगा आपको। क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, जो लोग काबिल हैं, जो लोग सफल हैं, जो कामयाब हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके गुणधर्म क्या है, उनके अप्रोच क्या है, उनकी गुणधर्म क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं आपको कि जो विजेता होता है और जो हारा हुआ व्यक्ति होता है, उन दोनों के बीच क्या फर्क होता है, एक विजेता और एक हारा हुआ व्यक्ति के बीच किस बात का फर्क होता है जो उसे विजेता बनाता है, और कौन सी बात है जो उसे हारा हुआ व्यक्ति बनाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है। हाउ टू अचीव गोल्स, हम सभी के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं और उसी को प्राप्त करना ही हम सफलता कहते हैं। तो जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त किए जाएंगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, गोल्स कैसे होने चाहिए, ये हम बात करेंगे। टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको समय का उचित प्रबंधन आना बहुत जरूरी है, तो उसकी टिप्स क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और फिर मैं कंक्लूड करूंगा इन सारी चीजों के जो हम डिस्कशन होंगे उसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। चलिए तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ आदरणीय जड़िया साहब और हरदा साहब की परमिशन से। प्लीज सर, मेरा एक प्रश्न है, यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका जवाब भी मैं ही आपको दूंगा, क्योंकि अभी हमारे बीच इंटरेक्शन का कोई मोड नहीं है। एवरीवन, मुझे लगता है इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, शिखरस्थ होना चाहता है, शीर्षस्थ होना चाहता है, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, सफल होना चाहता है। तो हर व्यक्ति की चाहत है, ख्वाहिश है, तमन्ना है, हसरत है, वो है सफलता, कामयाबी। अब आप देखिए कामयाबी, बेसिकली हर व्यक्ति कामयाबी के बारे में क्या अपनी राय रखता है ये जानना भी जरूरी है। कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है, धन है, संपदा है, तो आप कामयाब हैं।
कुछ लोगों को कहना होता है कि अगर आपका शोहरत है तो आप कामयाब हैं, कुछ लोग इज्जत को प्रतिष्ठा को कामयाबी मानते हैं, कुछ लोग आत्मीय संतुष्टि को कामयाबी मानते हैं और कुछ लोग हैप्पीनेस एंड जॉय यानी खुशी या आनंद, इसको खुशी या आनंद को भी वो सफलता मानते हैं। हर व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण है, कुछ लोग इन सारी चीजों को मिलकर कामयाबी कहते हैं। खैर जो कुछ भी हो, हर व्यक्ति की अलग राय हो सकती है, लेकिन अगर इनमें से आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं कामयाबी के तौर पे, तो इसका मतलब यह है कि सक्सेस इज एवरीवन्स ड्रीम। हर व्यक्ति का जो स्वप्न है, जो ख्वाब है, जो चाहत है, वो है सक्सेस, कामयाबी दुनिया के मुख्तलिफ क्षेत्रों में, मुख्तलिफ विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। तो चलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा। टुडे आई विल शेयर सम टिप्स अबाउट हाउ टू अचीव सक्सेस एंड टू गिव मोमेंट ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस टू योरसेल्फ, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड टू द एंटायर सोसाइटी। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सफलता हासिल करें, कैसे कामयाबी हासिल करें और उस सुखद अनुभूति को प्राप्त करें, उस गौरव की अनुभूति को प्राप्त करें, ताकि आपके मित्र, आपका परिवार, वो पूरी सोसाइटी आप पर गर्व कर सके, आप गौरवान्वित हों। इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आपकी जो अप्रोच है आपके काम के प्रति, आपके कारोबार के प्रति, आपके जो भी आप काम कर रहे हैं वो बदल जाएगी, आपकी जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा, योर एटीट्यूड विल चेंज, आपका नजरिया बदलेगा, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, और ये सारी चीजें मिलाकर आपकी जिंदगी में एक बदलाव होगा, एक रूपांतरण होगा, एक परिवर्तन होगा। सो आई कैन से दैट योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर अटेंडिंग दिस सेमिनार, आई अश्योर यू। तो आइए मैं आपको कुछ चीजें शुरू करने के पहले आपके बारे में कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। ये वो सूचनाएं हैं जो आपके पास हैं, लेकिन आपको उनकी अनुभूति नहीं है, आपको वो एहसास नहीं है कि ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हमारे बारे में हैं जो हमें ईश्वर की तरफ से वरदान है। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा याद रखें कि आप ईश्वर का अंश हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप पर ईश्वर की अनंत असीमित कृपा है, ईश्वर हर पल आपके साथ हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप याद रखिए कि आप सामान्य नहीं हैं, आप कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हैं, आपके अंदर ईश्वर वास करते हैं, आपके अंदर ईश्वर की दी हुई अनंत शक्तियां समाहित हैं, आप पूर्ण हैं, आप पवित्र हैं, आप विराट हैं, आप अमर आनंद के हकदार हैं, आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं, आपकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हर व्यक्ति अपने आप में एक संपूर्ण, एक सृष्टि का एक घटक है, इसीलिए किसी की किसी से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति में खूबियां होती हैं, यह हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। आप अपनी विशेषताओं से, अपनी खूबियों से वाकिफ रहें, यह बहुत जरूरी है। और आखिरी बात जो सबसे जरूरी है कि आपका जन्म महान उपलब्धियों के लिए, महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हुआ है, एक सामान्य जीवन जीने के लिए आप इस सृष्टि में नहीं आए हैं। ये सारी बातें याद रखें तो आपकी आगे की यात्रा बहुत सुखद होगी, ये मेरा दावा है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे अंदर हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। कितनी बड़ी बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी कि सारी शक्तियां, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सृष्टि की सारी शक्तियां, सारी सामर्थ्य हमारे अंदर निहित है, समाहित है, समाई हुई है, ईश्वर ने हमें दे रखी है, ईश्वर प्रदत्त है, सिर्फ हमने अपनी आंख पे हाथ रख लिया है। किस वजह से? पूर्वाग्रहों की वजह से, प्रचलित अवधारणाओं की वजह से, अपने अविश्वास, अपने ऊपर अविश्वास की वजह से, इसीलिए हमें लगता है कि अंधकार है, जबकि हमारे चारों तरफ भरपूर उजाला है। हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और उस उजाले की यात्रा को हमें तय करना है। वी आर नॉट गिवन ए गुड लाइफ और बैड लाइफ, वी आर गिवन ए लाइफ, इट्स अप टू अस टू मेक इट गुड और बैड। हमें कोई जिंदगी जो दी गई है, सबको एक जैसी जिंदगी दी गई है, किसी को बुरी जिंदगी, किसी को अच्छी जिंदगी नहीं दी गई है, सभी को एक जैसी जिंदगी दी गई है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे हमें तय करना है कि हमें जिंदगी को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे आपको सुगमता होगी। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं। इफ यू आर सर्चिंग फॉर दैट वन पर्सन दैट विल चेंज योर लाइफ, अगर आप किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दे, आपके अनुरूप उसे बना दे, आपको सफलता दे, आपको कामयाबी दे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर के दर्पण में, आईने में, मिरर में जाके देखिए, जो शख्स आपको आईने में दिखता है, यानी कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स, आपकी कोशिशें, आपकी दिशा, आपकी दृष्टि ही आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, कामयाब इंसान बनाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसीलिए कहा गया ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू, और कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसा नहीं कर पाएगा, मैं आपको दावा करता हूं। अब मैं बताना चाहूंगा कि हम सभी को जिंदगी में, जैसा कि अभी जड़िया साहब ने कहा था कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है,
तो मोटिवेशन जरूरी क्यों है, मोटिवेशन हमारे अंदर क्या बदलाव, क्या तब्दीली, क्या परिवर्तन लाता है जिससे हमें सफलता मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हाउ मेनी पीपल प्रेजेंट हियर फील मोटिवेटेड, आप में से कितने लोग मोटिवेटेड फील करते हैं? मैं दावा करता हूं कि बहुत ही कम लोग हैं जो मोटिवेटेड फील करते हैं, अदरवाइज हम लोग हमेशा हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। मोटिवेटेड फील करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग फील नहीं करते। क्यों नहीं करते, कारण क्या है? कारण है हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी प्रचलित अवधारणाओं पर विश्वास, हमारा खुद पे विश्वास नहीं है। यही कारण है कि हम उत्साह फील नहीं करते, मोटिवेटेड फील नहीं करते। तो आइए देखते हैं हम कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। नोबडी कैन मोटिवेट यू परमानेंटली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी आपसे 2 घंटे बात करूंगा, कोई और भी, आप बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं, क्षणिक रूप से आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपको मोटिवेट लगातार निरंतर सतत रूप से रखने के लिए आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। ये एक बहुत जरूरी बात है जो आपको याद रखना होगी। नोबडी कैन मोटिवेट यू, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। आपको अपना नजरिया बदलना होगा, दृष्टिकोण बदलना होगा, दृष्टि बदलना होगी। वन कैन हेल्प यू टू चेंज योर एटीट्यूड। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंक्लूडिंग मी और एनीबॉडी एल्स, कैन हेल्प यू टू चेंज योर एटीट्यूड। मैं आपको दिशा दे सकता हूं, मार्गदर्शन कर सकता हूं, आपकी कमियों के बारे में बता सकता हूं, सच्चाई से आपको वाकिफ करा सकता हूं, लेकिन बदलाव आपके अंदर से आएगा और वो कायम तभी रहेगा जब आप निरंतर प्रयास करेंगे। सो नाउ व्हाई टू चेंज एटीट्यूड, हम अपने आप में, नजरिए में, दृष्टिकोण में, एटीट्यूड में बदलाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये इसी तरह की बात है, अगर आपकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाए तो आप गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते जब तक कि आप उस टायर को बदल नहीं देते या ठीक नहीं कर देते। इसी तरह इफ यू हैव बैड एटीट्यूड, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लैट टायर, यू कैन नॉट गो एनीवेयर अंटिल यू चेंज इट। जब तक आप अपने बुरे या कमजोर दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे, आप जीवन की यात्रा में आगे नहीं जा सकते। उसी तरह जिस तरह एक पंक्चर टायर को लेकर आपकी कार आगे नहीं बढ़ सकती। मोटिवेशन क्या करता है? दो चीजें होती है, एक होती है एबिलिटी, एक होता है एटीट्यूड। एबिलिटी बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी दक्षता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, लेकिन एटीट्यूड ये तय करता है कि वो आपकी काबिलियत, वो आपकी क्षमता, आपकी दक्षता के द्वारा आप काम को कैसे करेंगे, आपका परफॉर्मेंस कैसे होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपके परफॉर्मेंस डिलीवर कैसे करेंगे, आउटपुट क्या होगा, आप क्या प्राप्त करेंगे, उपलब्धि क्या होगी, ये आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड तय करता है। इसीलिए हमें एबिलिटी, हम सभी के अंदर है, हम सभी दक्ष हैं, हम सभी सक्षम हैं, ईश्वर की हम सबके ऊपर कृपा है, लेकिन हमें अपने नजरिए को बदलकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना होगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स बताना चाहूंगा जो क्रांतिकारी कोट्स हैं, अगर आप इनको अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली, एक परिवर्तन आप निश्चित ही फील करेंगे। महान वैज्ञानिक, महान हमारे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि ड्रीम इज नॉट दैट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज अ थिंग व्हिच डोंट लेट यू स्लीप। स्वप्न वो नहीं है जो आप नींद के दौरान देखते हैं, स्वप्न तो वो है जो आपको सोने नहीं देते। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, अर्थात यदि आपका कोई स्वप्न है तो आप दिन रात उस स्वप्न के साथ रहेंगे, आपको सोने नहीं देगा, आपको नींद नहीं आएगी जब तक कि उस लक्ष्य को, उस स्वप्न को आप प्राप्त नहीं कर लेते। तो स्वप्न वो नहीं है जो नींद में देखते हैं, स्वप्न वो है जो हमें सोने नहीं देते। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, वाल्ट डिज्नी ने कहा था कि जो कुछ भी आप स्वप्न देख सकते हैं, जो कुछ भी आपके ख्वाब हैं, जो कुछ भी आपके लक्ष्य हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं, यकीनन प्राप्त कर सकते हैं, इसका विश्वास रखें, ये बहुत जरूरी है। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव द माइंड कैन अचीव, जो कोई भी परिकल्पना आप कर सकते हैं, आपका दिमाग जहां तक भी जा सकता है, उसका जो भी दायरा है, जितना विस्तार है, वो सारी दुनिया आप तय कर लीजिए दिमाग के द्वारा, और जो कुछ आपको दिख रहा है अगर वो आपकी इच्छा है तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। सो वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव माइंड कैन अचीव, जो कुछ आपका जहन सोचता है वो उसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। ये सबसे बड़ा कोटेशन जो मैं कोट करता हूं अपने प्रोग्राम्स में, नथिंग इज इम्पॉसिबल एज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर आप स्पेलिंग देखें, जिसे आप नामुमकिन कहते हैं, जिसे आप असंभव कहते हैं, जो हो नहीं सकता, जिससे आप घबराते हैं, वो खुद कहता है कि जनाब मैं तो पॉसिबल हूं, मैं मुमकिन हूं, मैं नामुमकिन हूं नहीं, सो आई एम पॉसिबल। अगर आप स्पेलिंग पे गौर करें तो यकीन मानिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ जरूरत है आपके प्रयासों की, आपकी कोशिशों की, आपके समर्पण की, आपकी निष्ठा की। अब मैं कुछ शायरी के माध्यम से, जैसा कि बताया गया कि मैं शायर भी हूं, तो कुछ अच्छी शायरी के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं जमीन तैयार हो जाए ताकि उसके बाद मैं आपको बता सकूं कि अपनी कामयाबी आप कैसे हासिल करेंगे।
तो राहत इंदौरी बहुत बड़े शायर हैं, उनकी एक बहुत मशहूर एक मकबूल गजल है, उसका एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो गौर करिए साहब कि हम परों से नहीं उड़ते, हमें लगता है परों से यहां आशय साधनों से, सिर्फ साधनों के दम पे कोई कामयाबी नहीं मिलती है, जरूरी है आपका हौसला, आपने उत्साह, आपका जज्बा, आपका हौसला, ये आपको सफलता दिलाएगा। तो वही शायर कहता है कि कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, यदि हमारे पर काट भी दिए जाए, हमारे साधन छीन भी लिए जाए, तो भी हम उतने ही सक्षम है अपने हौसले के दम पे, अपने जज्बे के दम पे, अपनी सामर्थ्य के दम पे। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। शकील आजमी साहब का कलाम है कि आप यहां बैठ के आसमान को देखना, यानी कि दूर से बैठ के मंजिल को देखना, कभी मंजिल हासिल नहीं होगी। परों को खोल, अपनी उड़ान को तय करिए, अपने आगे बढ़ना शुरू करिए, अपने कदमों का इस्तेमाल करिए, साधनों का इस्तेमाल करिए, हौसले का इस्तेमाल करिए, शुरुआत तो करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। नवाज देवबंदी साहब का एक कलाम है कि दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, जो मंजिल तक न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि हम लोग अक्सर ये करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कुछ समय के बाद ठंडे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं कि अरे यार ये तो मुझसे होगा नहीं, कुछ होना नहीं है, चलो जो हो रहा है होने दो। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, वो मंजिल तक न पहुंचे रास्ता नहीं कहते, वो रास्ता ही नहीं है जो मंजिल तक नहीं पहुंचा। अगर आप मंजिल तक नहीं पहुंचे तो आपने रास्ते को अपनाया ही नहीं, ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल बात है। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, दुष्यंत कुमार महान शायर कहते हैं, कौन कहता है कि आप आसमान में छेद नहीं कर सकते। देखा जाए सामान्य धारणा यही है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, लेकिन यहां कहने का आशय यही है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारों। अब यहां तबीयत से उछालो ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं कहा गया पत्थर तो उछालो, यहां कहा गया पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो। ये तबीयत शब्द में सारी बात छुपी हुई है, तबीयत मतलब पूरा मन से, पूरे लगन से, पूरे हौसले से, पूरे जज्बे से, आप पूरी आस्था रखते हुए काम करिए, आसमान में छेद भी मुमकिन है। स्क्रीनशॉट खींचने का, कोई भी लक्ष्य मानव के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं, ये शाश्वत वाक्य है, भरत वाक्य है कामयाबी का। लक्ष्य कभी भी मानव के साहस से बड़ा हो नहीं सकता, अगर आप तय कर लें, आप ठान लें, तो कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त न कर सकें। जो सपने देखना जानते हैं वही सपने सच करना जानते हैं, चाणक्य ने कहा था, चाणक्य नीति यही कहती है कि आप सपने देखिए तभी सपने सच कर पाएंगे। और देखिए एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, कितनी बड़ी बात है साहब, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो जीत के लिए ठानना पड़ेगा, हार तो कभी भी मानी जा सकती है, जिंदगी में अगर आप ठान लें तो कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जो आप हासिल ना कर सके। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये सारी बातें हमारे बुजुर्गों ने हमको बताई थी, लेकिन जो समाज की जो गर्द है, वातावरण की जो गर्द है, जो धूल है हमारे ऊपर चढ़ गई है, हम इन बातों को भूल गए, बहुत सामान्य सी बातें हैं। अब मैं आपको अपनी कविता सुनाता हूं, ये मेरी कविता है, मैं एक मौके का फायदा उठा रहा हूं, अपनी कविता आपको पेश कर रहा हूं, बर्दाश्त करिए। मैंने ये कहा था कि एक मूल मंत्र यह है कि जब भी कोई बुरा वक्त आए तो जिंदगी में हमें सोचना चाहिए ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, दिस टाइम शैल पास, ये भी गुजर जाएगा, दिस टू विल पास। सो मेरी कविता ये कहती है कि वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, होगी कल सुबह वहीं जहां आज अंधेरी रात है। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, होगी कल सुबह वहीं जहां आज अंधेरी रात है। जिंदगी एक खेल है, वक्त की बिसात है, चलते रहे तो जीत है, थम गए तो मात है। यानी कि चलना ही जरूरी है, एक एक कदम आप आगे बढ़िए, मंजिल आपके करीब आएगी, पूरी सृष्टि पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। हर इंसान के घर सुख दुख का आना जाना, न सुख का धर्म कोई, न दुख की कोई जात है। याद रखें, अगर आप कष्ट में हैं, अगर आप विपत्ति में हैं, अगर आप संकट में हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति के साथ, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी कामयाब व्यक्ति हो, जो आपको कामयाब दिख रहा है, उसने बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे संकट, बहुत सारी पीड़ाएं झेली हैं। तो हर इंसान के घर सुख दुख का आना जाना, न दुख का धर्म कोई, न दुख की कोई जात है। और आखिरी लाइन बड़ी मोटिवेशनल है साहब, के अंधकार के दामन में छिपा रहता है सूरज, अंधकार के दामन में छिपा रहता है सूरज, हर मुश्किल साथ में लाती एक सौगात है। जब भी कोई मुश्किल आए, कोई संकट आए, विपत्ति आए, तो मान लीजिए कि इसके बाद की जो सहर होगी, इस रात के बाद की जो सहर होगी, बहुत उजियारी होगी और हमारी जिंदगी में एक बहुत बेहतर मुकाम आने वाला है। यही इस अंधकार का संदेश है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। हमें अपने विचारों का उत्पाद है, आवाज़ कम कर दो।
सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा देखिए सुखवानी सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, देखता हूँ मैं। सुखवानी सर का देखिए कैमरा, आवाज आ रही सुखवानी सर मेरी आपके पास? हाँ एक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है कनेक्ट करिए। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा? हाँ सर वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई मेरे ख्याल से, सर के पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, जरा टेलीफोन से कनेक्ट करिए ना जरा। ठीक है सर मैं देखता हूँ। चलिए सर थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं सर, कुछ थोड़ा सा अब मोटिवेशनल कंटिन्यू करिए, प्रिंसिपल सर बात करेंगे पार्टिसिपेंट से। सर जिस पेस में ये मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी उस पेस में अचानक से तकनीकी व्यवधान के कारण जो रुकावट आई है उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं, और हम सतत संपर्क में हैं सुभानी साहब के। हतप्रभ रह गया हूं मैं तो, जिस तरह से उन्होंने अपनी जमीन तैयार की थी अपनी मोटिवेशनल चीजों को आपके सामने रखने के लिए, बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया। तो अगर ये तकनीकी खामी हम जल्दी से दूर कर पाएंगे तो हम फिर से सुभानी साहब को सुनेंगे और ये प्रेजेंटेशन उनका फिर से आपके सामने आएगा। मैं स्वयं भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, इस क्षण में मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम इसे जल्दी से जल्दी दूर करते हैं प्लीज। हाँ कट गया, फिर से ज्वाइन करिए ना, फिर से ज्वाइन करिए। अब भी ये कनेक्ट हुआ है ना? हाँ ये आप कंटिन्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक आध दो अभी क्योंकि स्क्रीन पर आप दिख नहीं रहे हैं अभी, तो उसको फिर से ज्वाइन करना। हाँ ज्वाइन कर लीजिए है ना। हाँ ठीक है, वो जहाँ से वो है वहीं से कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छे पेज से चला था अचानक उनके यहाँ लाइट चली गई, उनका नेटवर्क चला करिए जब तक हम एंगेज कर रहे हैं। सुखवानी सर ऐसे समय में मैं आप सभी लोगों का साथ चाहूंगा। आ गए सर, आ गए वापस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। लेट्स कंटिन्यू। माइक चालू है सर? ठीक है हाँ सर का माइक चालू है। हाँ प्लीज सर कंटिन्यू कर ले। हाँ सर माइक आपका ऑफ है सर, सुखवानी सर माइक चालू कर ले, माइक ऑन कर ले, अभी आपका माइक बंद है। सर सुखवानी सर मेरी आवाज आ रही हो तो ध्यान दें, आपका माइक चालू हो जाएगा यहाँ से। सुखवानी सर मेरी आवाज आ रही है तो सर? हाँ, सर गूगल मीट पे ज्वाइन नहीं हो रहा है कुछ बच्चे। हो गया सर? हाँ सर हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, आप स्ट्रीम से जुड़ जाइए उसे। हाँ चालू, यूट्यूब की स्ट्रीम से उसे कनेक्ट हो सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, आपकी आवाज भी आ रही है। हरदा साहब किस स्लाइड पे था हमें बताइए थोड़ा सा। ये आपका यस सर मोटिवेशनल लाइंस पर है सर, फिर से ले लेते हैं। ये हो गया। हाँ ये हाँ कंटिन्यू कर लो सर, ले लीजिए सर। मन के हारे हारे मन के जीते जी, यही पे थे हम। हाँ यही से ये माइक बंद करवा दीजिए, किसी का माइक चल रहा है। हाँ ये पढ़ दिया क्या मैंने ये? हाँ तानिया गुप्ता प्लीज म्यूट योर माइक, तानिया गुप्ता प्लीज म्यूट। इसी का अंत चल रहा था सर, इसी को आप समाप्त करने वाले थे, अपनी कविता को समाप्त करने वाले। कविता करिए, ठीक है ठीक है प्लीज कंटिन्यू। हाँ चलिए ध्यान दीजिए सर, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। मैं इस कविता को पढ़ रहा था सर कि ये मेरी कविता है, मैंने इसको यहाँ पहुंचा था मैं कि हर इंसान के घर सुख दुख का आना जाना, न सुख का धर्म कोई न दुख की कोई जात है। हेलो आवाज आ रही है हरदा साहब? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। अरे यार हरदा सर आ रही सर आवाज आ रही है। कंटिन्यू सर। हरदा सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आपकी आवाज हम लोग को प्रॉपर आ रही है सर, आ रही है सर। ये कंटिन्यू करिए प्लीज, कंटिन्यू करिए सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है जी। ये माइक बंद कराइए, किसी का माइक चल रहा है सर प्लीज। ठीक है चलिए जी, मैं बंद करवाता हूँ। चलिए सर स्लाइड भी आ गई। चलिए सर हम बात कर रहे थे,
चलिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपको बताया था ये मेरी कविता थी, इसमें संदेश ये था कि अभी कोई बुरा वक्त भी आता है, कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी पंक्ति मैंने पढ़ी थी कि अंधकार के दामन में छिपा रहता है सूरज, हर मुश्किल साथ में लाती एक सौगात है। तो यदि कोई संकट आता है तो जरूर इसके बाद का जो समय होगा बेहतर होगा, यकीन मानिए। मैंने कहा था कि व्यक्ति वो अपने विचारों का उत्पाद है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक प्राणी वो है जो वही बनता है जो वो सोचता है, अर्थात हम अपने विचारों का उत्पाद हैं। हम लगातार जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही हम बन जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव विचारों से हमेशा सरोवर रहें। आगे देखिए, अरस्तु ने कहा था कि वी आर व्हाट वी डू रिपीटेडली, देयरफॉर एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। जो व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है वो हमेशा उत्कृष्ट कार्य करेगा, चाहे वो छोटे छोटा कार्य हो, बड़े से बड़ा कार्य हो। इसीलिए उत्कृष्टता को अपनी आदत बनाया जाना बहुत जरूरी है। चलिए, मैंने कहा था कि इमेजिन विथ ऑल योर माइंड, बिलीव विथ ऑल योर हार्ट, अचीव विथ ऑल योर माइंड। अपने दिमाग से आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो भी आपकी कल्पना है, जो भी आपके ख्वाब है, लक्ष्य है, वहां तक चले जाइए। बिलीव विथ ऑल योर हार्ट, अपने दिल से यकीन करिए कि ये लक्ष्य मैं हासिल कर सकता हूं। उसके बाद अचीव विथ ऑल योर माइंड, अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा से उसे हासिल करिए। सो इमेजिन विथ ऑल योर माइंड, बिलीव विथ ऑल योर हार्ट एंड अचीव विथ ऑल योर माइंड। अब सफलता के मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं उस बात पे आ रहा हूं जिसके लिए मैंने टॉपिक चूज किया था, सफलता के मंत्र, कामयाबी कैसे मिलेगी। देखिए, पहला मंत्र यह है कि सक्सेस एंड एक्सक्यूज डू नॉट टॉक टुगेदर। इफ यू वांट एक्सक्यूज फॉरगेट अबाउट सक्सेस, इफ यू वांट सक्सेस फॉरगेट अबाउट एक्सक्यूज। अगर आप कोई तर्क देते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। सफलता और बहानेबाजी कभी मिलके नहीं रहते। अगर आप बहानेबाजी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा हम अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ते हैं, हम बहानेबाजी करते हैं, तर्क देते हैं, और कभी भी सफलता के लिए प्रयास नहीं करते। ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कोटेशन साहब ये है कि असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। याद कर लीजिए, फिर से कह रहा हूं, असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। यानी कि अगर आप मन से प्रयास करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो ये स्पष्ट है कि आपने प्रयास मन से नहीं किया, लगन से नहीं किया, हौसले से नहीं किया है। पूरी आपकी इच्छा नहीं थी, इसीलिए आपको वो चीज नहीं मिली। अगर आपकी इच्छा होगी तो चीज जरूर मिलेगी। आपने कई बार डायलॉग सुना होगा कि आपकी जो इच्छा एक बार तय कर लीजिए, सारी कायनात आपको सपोर्ट करती है। तो यही कहा गया है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो सारी लड़ाई जो है आपकी जो कामयाबी की जो लड़ाई है, 90% कामयाबी जो है आपके मन से होती है। अगर आप मन से मानते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो 90% इस बात की संभावना है कि आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी तो 10% है आपकी जो क्वालिटीज है, जो विशेषताएं हैं, जो गुणधर्म है, जो प्रयास है, वो सब 10% है। 90% ये मन है जो तय करता है हमें जीतना है कि हमें हारना है। डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। जो संशय है, जो भ्रम है, जो हमें एक ये है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, डाउट है, वो डाउट ने जितने ख्वाबों की हत्या की है उतना विफलता ने भी नहीं की। तो संशय कभी मत रखिए। मैंने पहले भी कहा था, इमेजिन विथ ऑल योर माइंड, बिलीव विथ ऑल योर हार्ट। बिलीव करिए अपने दिल से, मान लीजिए कि ये सफलता मुझे मिलेगी, मैं इसके काबिल हूं, मैं इसका हकदार हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरी ईमानदारना कोशिश है, तो मुझे मिलेगी। तो डाउट की वजह से जितनी विफलताएं मिली हैं, उतनी विफलताओं की वजह से नहीं मिली। अब देखिए, जो विजेता लोग होते हैं और जो हार जाते हैं, उनमें क्या फर्क होता है। तो कहा गया साहब, जो विजेता है, जो विनर है, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। विजेता वो नहीं है जो कभी हारा नहीं, जो कभी नाकामयाब नहीं हुआ, जो कभी विफल नहीं हुआ, बल्कि वो व्यक्ति है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी मैदान नहीं छोड़ा, जिसने कभी प्रयास नहीं छोड़े, जिसके प्रयासों में निरंतरता रही, वो अंततः विजय को प्राप्त किया। ये कुछ लोग हैं साहब, आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन है, माइकल जॉर्डन है, वॉल्ट डिज्नी है, स्टीव जॉब है, और ऑफरा विनफ्रे है, बीटल्स एक म्यूजिक ग्रुप था। इन सभी लोगों को जीवन के शुरुआत में, जब कैरियर शुरू किया उन्होंने, तो इनको नकार दिया गया, भगा दिया गया, इनसे कहा गया कि आप में कोई काबिलियत नहीं है, आप में कोई पोटेंशियल नहीं है, आप कुछ भी नहीं बन सकते। लेकिन इन्होंने, इन सब लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने जुझारू प्रवृत्ति से, अपने प्रयासों से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से, लक्ष्य के प्रति अपनी आस्था से, उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया और सारी धारणाओं को निर्मूल सिद्ध किया। इसीलिए कहा गया, इफ यू नेवर फेल्ड यू हैव नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। आपने अगर कुछ नया ट्राई किया ही नहीं है तो आप सफल कैसे होंगे। आइंस्टीन 4 साल तक बोल नहीं पाते थे, लोगों ने कहा ये बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। माइकल जॉर्डन, इनको स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, बाद में दुनिया के नंबर वन बास्केटबॉल प्लेयर ये बने। वॉल्ट डिज्नी से कहा गया कि आपके अंदर कल्पनाशीलता का अभाव है, बाद में उन्होंने डिज्नीलैंड की स्थापना की, जो कल्पनाशीलता का सबसे बड़ा मानक है।
स्टीव जॉब के बारे में कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं, आप जानते हैं। ऑफरा विनफ्रे जो है ये वर्ल्ड की माने हुई टीवी होस्ट है, एंकर है। इनको शुरू में कहा गया था कि आप एंकर कभी नहीं बन सकती, आप टेलीविजन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। बीटल म्यूजिक बैंड से कहा गया कि आपको म्यूजिक का कुछ भी नहीं पता। ये सारी चीजें बाद में एक ऐसे मानक बने जिनको दुनिया फॉलो करती है, जो अपने आप में एक चरम है, शिखर है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने देसी एग्जाम्पल की बात करूंगा, अमिताभ बच्चन जब गए थे एक्टिंग करने, तो उनसे कहा गया साहब कि आपकी आवाज ठीक नहीं है, आपका कद बहुत ज्यादा है, इतने बड़े व्यक्ति को कोई हीरो नहीं बनाता, आप घर जाए क्लर्क की नौकरी करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा, आपकी आवाज भी ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए कालांतर में यही दो चीजें उनकी असेट हुई, उनकी आवाज के लिए करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं, और उनकी हाइट अपने आप में एक ऐसा एक उनका विशेषता है जो दुनिया उनको सलाम करती है। तो फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ द सक्सेस। विफलता सफलता का हिस्सा है, ये कभी भी उसका अपोजिट नहीं है। कभी विफल होकर यह मत सोचिए कि हम हार गए, सफलता कभी नहीं मिलेगी, सफलता निश्चित ही मिलेगी अगर आप विफल हैं और प्रयास करते रहेंगे, तो ये उसी का हिस्सा है, उसी का एक स्टेप है, उसी का एक चरण है। इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट, इसीलिए कभी भी आप मैदान न छोड़े, मैदान जब भी आप छोड़ते हैं वो हमेशा ही जल्दी है। इट्स टू ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट, कभी भी मैदान नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये सारे लोग जिनकी बात मैंने की अगर मैदान छोड़ के चले गए होते तो ये बहुत ही सामान्य जीवन जी रहे होते और हम आज इनकी चर्चा नहीं कर रहे होते। तो कभी भी आपको कोई नकार भी दे तो आप जमाना आप पे विश्वास करें ना करें, आप खुद पे विश्वास करें। बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अपने ऊपर विश्वास, अपनी काबिलियत पे, अपनी सामर्थ्य पे आप जरूर विश्वास करें, दुनिया विश्वास करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मंजिल आपको हासिल करना है, दुनिया को नहीं। सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस फाउंडेशन ऑफ दी ऑल ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट, आत्मविश्वास जो है वो ग्रेट सक्सेस उपलब्धियों का, महान उपलब्धियों का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर आप में है तो आप कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, कोई भी उपलब्धि, मैं जोर दे के कह रहा हूं इस बात। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। हरदा साहब आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है, आ रही सर आवाज आ रही है। हरदा सर आ रही है सर, क्लियर आ रही है ना, प्रेजेंटेशन भी क्लियर आ रहा है। आप कभी भी ऐसा लगे तो मुझे फोन किए कर दीजिएगा, ऐसा ना कोई नेट चला। चलिए चलिए कंटिन्यू करता हूँ मैं। ओके सर, ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए प्लीज कंटिन्यू। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। आप ईश्वर में विश्वास करने का दावा कर ही नहीं सकते अगर आप खुद में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। जब आपका अंश में विश्वास नहीं है तो आपका मूल में विश्वास कैसे हम मान सकते हैं। तो बड़ी बात है साहब कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, उनकी संतान है। अगर हमें खुद में यकीन नहीं है तो हमें ईश्वर में यकीन नहीं है, तो हम नास्तिक आस्तिक की बात कैसे कर सकते हैं। In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. हम सभी विफलता के डर से हम हार जाते हैं, हम प्रयास नहीं करते, ये बहुत सबसे बड़ी भूल कही है। तो हम विफलता के डर से प्रयास नहीं करते। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो कहा गया है कि कामयाबी हासिल करने के लिए योर डिजायर फॉर सक्सेस, सफलता के लिए आपकी चाह जो है, आपकी ख्वाहिश जो है, आपकी तमन्ना जो है, आपकी हसरत जो है, वो है वो आपकी जो विफलता का आपके अंदर जो डर है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी चाह जो है, आपकी इच्छा जो है, वो आपके डर से बड़ी है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए कहा गया डर के आगे जीत है। सबसे बड़ा कोटेशन जो इसको प्रेजेंटेशन का मैं पढ़ रहा हूं, सारी समरी इस फ्लाइट के अंदर आप देख लीजिए, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन सेकेंड लेटर यू। सक्सेस की स्पेलिंग में सेकंड लेटर है वो यू है, ये यू यू नहीं है, ये यू मतलब वाई ओ यू है, अर्थात ये आप हैं। सक्सेस के लिए सब सारा दरोमदार सब कुछ जो है वो आप पर है, आप मतलब यू। सफलता का दूसरा अक्षर कहता है साहब कि आप ही हैं जो सफलता हासिल कर सकते हैं, मैं कोई और या पूरा विश्व आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जब आप करेंगे तो सारा विश्व आपकी मदद जरूर करेगा, आपका हेल्प करेगा, लेकिन सब कुछ करना आपको। ये जिंदगी में याद रखिए, सेकंड लेटर यू अर्थात वाई ओ यू ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इफ हार्ड वर्क इज योर हैपन सक्सेस वेपन, सक्सेस विल बी योर स्लेव। अगर कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत आपका हथियार है, आपका शस्त्र है, तो सफलता आपकी निश्चित ही आपकी दासी होगी, आपकी गुलाम होगी। इस बात को यकीन मानिए। एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर This is easy. जो भी वस्तु आपको सहज लगती है, सरल लगती है, आसान लगती है, वो कभी ना कभी बहुत कठिन थी, बहुत दुर्गम थी। क्योंकि जब हम छोटे थे हमें कुछ भी नहीं आता था, हमें चलना भी नहीं आता था, हम बहुत गति से बोलते हैं, तमाम भाषाएं बोलते हैं, हम तेजी से भाग लेते हैं, सारी बातें हम कर लेते हैं,
इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोगों को, इस कैसे आया? तो जो चीज पहले कठिन थी हमें प्रयास किया, हमने सीखा, एक ट्रेनिंग हुई, एक पढ़ाई की, एजुकेशन हुई। तो कहने का आशा ये, जो कुछ भी आज कठिन दिख रहा है, आज आसान दिख रहा है, वो कभी कठिन था। तो जो आज कठिन है वहां आपको बहुत सी बाधाएं मिलेंगी, आप आसान मार्ग है तो मार्ग सफलता का हो नहीं सकता। चलिए, द ओनली, ये बहुत बड़ी बात है, द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज द डिक्शनरी। सफलता परिश्रम के पहले कभी नहीं मिलती, सफलता परिश्रम के पहले सिर्फ डिक्शनरी में होती है, क्योंकि सफलता मतलब एस, परिश्रम मतलब वर्क, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू बाद में आता है, एस पहले आता है। ये डिक्शनरी की एक वो है, प्रवृत्ति है, इसीलिए ऐसा होता है। अदरवाइज जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि बिना सफलता मिल जाए, यदि गलती से मिल भी गई तो उसे आप कायम नहीं रख पाएंगे। ये फार्मूला, इसका मैं बार बार मैंने आपसे कहा था सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो ये फार्मूला है, ड्रीम्स यानी कि आपका लक्ष्य, आपकी ख्वाब, आपकी कल्पना, आपकी चाहत, प्लस डेडिकेशन यानी आपका समर्पण, आपकी निष्ठा, हार्डवर्क यानी आपकी कोशिश, आपका परिश्रम, आपका श्रम, ये सब मिलाकर तीन चीजें जो है, आपका ड्रीम प्लस डेडिकेशन प्लस हार्डवर्क, ये मिलके बनती है कामयाबी, ये मिलके बनती है सफलता, ये मिलके बनती है सक्सेस। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो तीन चीजें मिलकर सक्सेस को जन्म देती है। सक्सेस नेवर ऑन इट इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। बहुत बड़ी बात किसी ने कही है साहब, कि सफलता जो है इस पे किसी का मालिकाना हक नहीं है, ये किराए का मकान है और जिसका किराया आपको रोज चुकाना ही पड़ेगा। अर्थात अगर आप सफल हो भी गए तो ये एक यात्रा है, ये एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई मकान नहीं है कि आप खरीद लिया और आप उसके मालिक हो गए। आपको सफल होने के लिए, सफल बने रहने के लिए, सफलता को कायम रखने के लिए रहना होगा, और यही वो किराया है जो आपको लगातार पे करना है। सो सक्सेस इज नेवर ऑन इट इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। हर पल हर क्षण दिन आपको मेहनत करनी होगी, प्रयास करने होंगे। आज जो बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन हैं, और भी लोग हैं, वो आज भी कितना श्रम करते हैं वो आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सक्सेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये एक यात्रा है, ये पड़ाव नहीं है, मंजिल नहीं है। यू विल सक्सीड। अब एक पॉजिटिव बात आपको बताने वाला हूं, अभी तक मैंने आपको थोड़ा डरा दिया बहुत सारी बातों से, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके अंदर बहुत उत्साह का संचार करेगी। यू विल सक्सीड बिकॉज मोस्ट पीपल आर लेजी। आपको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि बाकी लोग तो सफलता के लिए प्रयास कर ही, दुनिया में सभी लोग जो है वो सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं, लीड नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सफलता हमको मिल जाए, वो सुस्त हैं, वो एक घंटे में आप उसका काम तमाम कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको योजना बना के काम करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो इसकी योजना कैसे होगी आगे बात करेंगे हम। The biggest failure you can have in life is making the mistake of never trying it all. बहुत बड़ी बात किसी ने कही है साहब, जिंदगी में सबसे बड़ी भूल अगर कोई है तो वो ये है कि मैं इसे सफलता का प्रयास ना करूं। अगर मैं विफलता के डर से कोशिश ही ना करूं तो इससे बड़ी विफलता कुछ हो नहीं सकती। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कमजोर हूं, मैं मुझे एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूर इस बात की है कि आपकी इच्छा शक्ति हो, आपका संकल्प हो, आपके भाव हो, आपका मन हो, आपका मानस हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी विफलता के डर से सफलता के लिए प्रयास करना न छोड़ें, ये एक संदेश है। यू डोंट हैव टू, ये बहुत बड़ी मैं, आप कहीं भी पहुंच जाए, आपसे ज्यादा परफेक्ट लोग दुनिया में मौजूद हैं। इसीलिए अगर आप इंतजार करेंगे कि मैं कुछ बन जाऊं उसके बाद मैं कुछ प्रयास करूंगा तो ये बड़ी भूल होगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परफेक्शन का इंतजार मत करिए और एक्शन स्टार्ट कीजिए। A journey of thousand miles begins with a single step. हजारों मील लंबी यात्रा भी शुरुआत करने के लिए कदम पहले उठाना होता है, उसके बाद दूसरा कदम, तीसरा कदम, ऐसा कर करके हम हजारों मील दूर आगे निकल जाते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि journey of thousand miles begins with single step. ये बहुत बड़ी बात है, हमें ध्यान में रखनी होगी। Start by doing what is necessary, then do what is possible, then suddenly you will find that you are doing impossible. कितनी बड़ी बात कही गई साहब, कि जो शुरुआत करने में वो काम करिए जो बहुत आसान हो, जो आवश्यक हो, जो आपको सरल लगता है। फिर थोड़ा सा कठिन काम करिए, मुश्किल काम करिए, वो भी कर लेंगे आप, और बाद में कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे, आपको अनुभूति होगी, आप पाएंगे कि आप वो काम कर रहे हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो इम्पॉसिबल था, जो बहुत मुश्किल था, जो नामुमकिन था, जो आपकी सोच के दायरे के बाहर था। तो शुरुआत करिए सरल काम से, फिर मुश्किल काम करिए, उसके बाद ये निश्चित है कि आप नामुमकिन काम को भी कर पाएंगे। यही यात्रा है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था साहब, इफ यू कांट फ्लाई देन रन। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलिए, अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप कम से कम रेंगिए, लेकिन अपनी गति को बरकरार रखिए, आप चलते रहें, आप डायनेमिक रहें। अगर आप स्थिर हो गए तो आपको दुनिया आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए जो भी आपकी काबिलियत है, जो भी आपकी हैसियत है, जो भी आपकी सीमाएं हैं, जो आपकी विशेषताएं हैं, उनको लेके चलिए। इसीलिए कहा गया, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट यू व्हाट एवर यू डू यू हैव फॉरवर्ड। आगे बढ़ना जरूरी है, यही सफलता का सूत्र है। सक्सेस क्या है साहब? देखिए, एक एक शब्द जो है इसका पहले का अपने आप में एक
ऐलान करता है, घोषणा करता है, एस मतलब सी योर गोल, अपने लक्ष्य को देखिए, अंडरस्टैंड दी ऑब्स्टिकल, यू मतलब अंडरस्टैंड दी ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं हैं उनको समझ लीजिए पिक्चर, उसके बारे में एक पॉजिटिव एक पिक्चर बनाइए, योजना बनाइए, और क्लियर योर माइंड ऑफ ऑब्स्टिकल डाउट्स, जो भी संशय हैं, जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाइए, अपने पॉजिटिव थॉट्स लाइए, एम्ब्रेस द चैलेंज, चुनौती को स्वीकार कीजिए, स्टे ऑन ट्रैक, उस पाथ पे चलने के लिए, उस पथ पे चल निकलिए, शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट, आखिरी में आप दुनिया को सिद्ध कर दीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए कि आप सफल हो सकते हैं। तो आप अपना लक्ष्य देखिए, बाधाओं को देखिए, बाधाओं की एक योजना बनाइए, दिमाग से सारे संशय दूर कर दीजिए, चुनौती को स्वीकार करिए, उस पथ पे आप निकल पड़े, दुनिया आपको देखती रह जाएगी, आप शिखर पे होंगे। अब देखिए, जाने के लिए, शीर्षस्थ होने के लिए, सफलता के लिए, कामयाबी के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण हमारे अंदर होना चाहिए, ये मैं बताने जा रहा हूं। हरदा साहब, मेरी आवाज आ रही है? हरदा सर, ऐसे बोल लीजिए स्पष्ट हो, जिनमें प्राप्त करने के लिए पूरी तरह संभव हो। फोकस पॉइंट जो है, आपको एकाग्र होना होगा, आपको फोकस होना होगा, आपको भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना, आपको एकाग्र होना है, आपको के साथ पूरे ध्यान के साथ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस पर काम करना है, बिना किसी बाधा को से प्रभावित हुए, किसी नेगेटिविटी से प्रभावित हुए, बिना किसी के क्रिटिसिज्म से प्रभावित होना है। आपकी जो अप्रोच है, जो आपकी सोच है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, उसमें एक सोच होना चाहिए, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, कड़ा परिश्रम, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, इमोशनल मास्टरी, आप दृढ़ मानसिक बल के साथ आगे बढ़े, आप मेंटल टफनेस होना चाहिए, आप इमोशनली वीक नहीं होना है, आपको कई जगह ऐसे मौके आएंगे आप कमजोर पड़ेंगे, बाधाएं आएंगी, टूटेंगे आप, लेकिन टूटना नहीं है आपको, आपको फिर खड़े होना है, यही कहा गया मेंटल टफनेस। राइट गाइडेंस, आप ऐसा मत सोचें कि सब कुछ मुझे आता है, जो भी व्यक्ति आपको सिखाने के लिए अगर उपलब्ध है, किताबें हैं, वीडियोज हैं, आपके मित्र हैं, वही व्यक्ति वो कद में आपसे छोटा क्यों ना हो, पद में आपसे छोटा क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई चीज है सीखने वाली उससे जरूर सीखिए साहब, यही राइट गाइडेंस है जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ाएगा। उदार बनिए और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपको समय का प्रबंधन नहीं आता तो आप में अगर ऊपर की सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आप सफल नहीं होंगे। याद लीजिए, अगर आप समय का प्रबंधन करना नहीं जानते हैं तो ऊपर की सारी चीजें मैंने आपको जो बताई अगर आपके पास हैं तो भी आप डायरी में नोट कर लीजिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसी बारे में अलग से बात करूंगा मैं। अब दो चीजें आज के संदर्भ में बड़ी जरूरी है, अगर आप देखें आज जितने भी लोग सफल हो रहे हैं, मैंने आपको जो चीजें बताई वो पारंपरिक अवधारणाएं थी, वो आज भी कायम है, लेकिन बदलते हुए समय के साथ कुछ चीजों का महत्व बढ़ गया है। वो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो है क्रिएटिविटी, दूसरी है इनोवेशन, न्यू आइडियाज, जिसे हम हिंदी में नवाचार भी कहते हैं। आप कार्य के प्रति समर्पण, निष्ठा, एकाग्रता, ईश्वर में आस्था, ये बहुत बड़ी बात है साहब। हो सकता आप में से कोई नास्तिक हो, वो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा खुद का यकीन है, मेरा एतबार है, मेरी अनुभूति है कि अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो आपको सफलता जल्दी मिलती है, जरूर मिलती है। ये इसका मंत्र है, निरंतरता, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर आप कभी प्रयास करके बहुत जल्दी छोड़ देते हैं तो आप ये दावा करते हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की, मेरे को मिला नहीं, ऐसा हो, प्रयासों में कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, तो आपको जरूर मिलेगी कामयाबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैंने आगे लिखा है नवाचार, जो बात मैंने अभी कही थी मैंने यहां लिख दिया। इनोवेशन कहें आप, नॉवल्टी कहें, जो भी आप कहें, न्यू आइडिया कहें, सही मार्गदर्शन, जो मैंने अभी कहा था राइट, इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकाना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, सब कुछ त्याग करना पड़े, मैं करूंगा, ये अगर थे वो हमें नहीं करना है। तो देखिए वो क्या करते हैं साहब, दे मेक लॉजिकल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उनके जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, तार्किक होते हैं, भावनात्मक नहीं होते, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, वो तथ्यों के आधार पर फैसला करते हैं, किसी के प्रभाव में आके, किसी की भावनाओं में बह के फैसला नहीं करते। तर्क और आई करा, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, किसी का दे टेक क्रूशियल एंड इमीडिएट एक्शन, वो तत्काल डिसीजन लेते हैं और कभी भी रुकते नहीं है, थम नहीं जाते, वो डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। They focus on being productive, not being busy. एक बहुत बड़ी बात कही गई है, हम लोग बड़े गलत फहमी में रहते हैं, हम अगर बिजी हैं तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बिजी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
आपका प्रोडक्टिव होना, आपका उत्पादक होना, आपका आउटकम आने में निकलना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि जो कामयाब लोग हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं, ना कि बिजी। कई लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। याद रखें, जो व्यक्ति हमेशा व्यस्त है वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। अगर आप व्यस्त हैं पॉजिटिव मैनर में, तो आप प्रोडक्टिव भी हैं, आप उत्पादक हैं, आप जरूर कामयाब होंगे। दे वर्क आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन। वो सारे अपने आराम को त्याग देते हैं, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करते हैं। वो इसकी चिंता नहीं करते कि मुझे कितना तकलीफ होगी, कितना मुझे त्याग करना होगा। दे मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, त्रुटियां दूर करते हैं। दे मेजर एंड ट्रैक प्रोग्रेस। वो अपनी उपलब्धियों को, अपनी कामयाबी को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी उपलब्धि को, अपनी उन्नति को, अपने विकास को, अपनी प्रगति को बार बार चेक करते रहते हैं कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं, कहीं हम ट्रैक से डेविएट तो नहीं हो गए, विचलित तो नहीं हो गए, भटक तो नहीं गए। दे स्पेंड टाइम विद मोटिवेशनल पीपल। वे हमेशा मोटिवेशन लोगों के साथ रहते हैं, नकारात्मक लोगों का साथ वो कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे वो लोग हो मोटिवेशनल, चाहे वो मोटिवेशनल लिटरेचर हो, चाहे वो वीडियोज हो, चाहे वो माहौल हो, सब कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए। दे मेंटेन बैलेंस इन देयर लाइफ। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। कामयाब वही व्यक्ति होता है जो वर्क लाइफ बैलेंस, काम और अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखता है, वही कामयाब होता है। ये बहुत जरूरी बात है। वो क्या नहीं करते, व्हाट दे डोंट डू, दे डोंट फॉलो अदर्स एंड डोंट वरी अबाउट अदर पीपल ओपिनियन। वो दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों को फॉलो नहीं करते। दे डोंट वेस्ट एनर्जी फीलिंग अपसेट अबाउट थिंग्स दे कांट कंट्रोल। वो उन चीजों पे एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिन पे उनका नियंत्रण नहीं है। जो चीजें उनके नियंत्रण के बाहर हैं उसकी चिंता नहीं करते, उसके लिए परेशान नहीं होते। दे डोंट फोकस ऑन इंप्रेसिंग पीपल, दे आर नॉट इजीली डिस्ट्रैक्टेड। लोगों को इंप्रेस करने के लिए प्रयास नहीं करते, वो अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, वो अपने पाथ से विचलित नहीं होते। दे डोंट लेट द फियर ऑफ फेलियर होल्ड देम बैक। वो विफलता के भय से पीछे नहीं हटते कभी भी। दे डोंट लेट द नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म स्टॉप देम। आलोचना या नकारात्मकता उनको रोक दे, ऐसा वो कभी होने नहीं देते। चाहे कितनी भी लोग आलोचना करें, कितना भी लोग उन क्रिटिसिज्म करें, वो अपने पथ पे विचलित नहीं होते। एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ, आस्था के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। दे डोंट मेक सेम मिस्टेक अगेन। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। वो गलतियों को दोहराते नहीं है, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। ये जो कामयाब लोग हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं। और क्या वो करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अब आप देखिए, ये वही चीज है, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल में डिफरेंस क्या है। आप देखिए, सक्सेसफुल आदमी क्या करता है उसके उसी समय, जो अनसक्सेसफुल है वो क्या करता है आप देखिए। सक्सेसफुल रीड एवरी डे, वो रोज पढ़ता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है। दे वॉच टीवी, वो टीवी देखने में या इसी तरह के अन्य कार्यों में अपना समय जाया करता है जो अनसक्सेसफुल है। एक मिनट, देखिए साहब, दे टॉक अबाउट आइडियाज, वो विचारों की बात करते हैं। दे टॉक अबाउट पीपल, जो नाकामयाब लोग हैं वो लोगों के बारे में बात करते हैं, जो कामयाब हैं वो विचारों के बारे में बात करते हैं, आइडियाज के बारे में। आइडिया ही आपको आगे ले जाएगा। दे कॉम्प्लीमेंट, वो लोगों की प्रशंसा करते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये चुनौती को स्वीकार करते हैं, वो बदलाव को स्वीकार नहीं करते, ये बदलाव को स्वीकार करते हैं। दे एम्ब्रेस द चेंज, दे फियर द चेंज। दे फॉरगिव अदर्स, दे होल्ड, यानी कि ये लोगों को माफ कर देते हैं गलतियों को, वो माफ नहीं करते। लर्न कॉन्स्टेंटली, ये लगातार सीखने की कोशिश करते हैं, ये मानते हैं कि हमें जो आता है वो अपने आप में पर्याप्त है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड रखते हैं, इनमें एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, उदारता होती है, लोगों को ज्ञापित करते हैं कि आपकी हमने मदद ली, आपका भी इसमें क्रेडिट है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। दे सेट गोल्स एंड डेवलप प्लान्स। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लक्ष्य बनाते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। और जो नाकामयाब लोग हैं वो लक्ष्य न तो बनाते हैं, न उनके लिए काम करते हैं, सिर्फ इंतजार करते हैं कि मुझे सफलता मिल जाए। दे सेट ए बजट एंड सेव मनी। ये बजट बनाते हैं किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, योजना बनाते हैं, उसके अनुरूप कार्य करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, उनमें योजना का अभाव होता है। ये एक बहुत बड़ी स्लाइड है साहब, देखिए, आवाज आ रही है हरदा साहब? ठीक है। ये बहुत बड़ी सबसे अच्छी स्लाइड है, इसलिए मैंने कहा कि आप देखिए विनर और लूजर में क्या फर्क है। आप देखिए, विनर कहता है, देखिए बहुत अच्छी स्लाइड है, विनर कहता है, विजेता कहता है, इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। किसी भी लक्ष्य के बारे में, किसी भी कार्य के लिए जो विनर है वो कहता है कि ये कठिन तो हो सकता है लेकिन ये मुमकिन है। और लूजर कहता है ये मुमकिन तो है साहब लेकिन बड़ा कठिन है, बहुत परेशानी होगी, क्या करना है इसको छोड़ दीजिए। फर्क देखिए,
विनर कह रहा है इट मे बी डिफिकल्ट बट पॉसिबल, वो उसके होने में विश्वास कर रहा है, परेशानी को नहीं देख रहा। लूजर क्या कर रहा है, वो कह रहा है हाँ ठीक है इट मे बी पॉसिबल, मुमकिन है ये कार्य हो जाए, लेकिन क्यों करें इतना कठिन काम क्यों करें। विनर सी द गेन, जो विनर है उसकी उपलब्धि को देख रहा है, उसके हासिल को देख रहा है, उसको मिलने वाला आउटकम उसको देख रहा है, जो लूजर है उसकी जो पीड़ा है जो करना है उसको देख रहा है साहब। सी द गेन, सी द पेन, सी द पॉसिबिलिटी, सी द प्रॉब्लम, ये संभावनाओं को देख रहा है, वो समस्याओं को देख रहा है। कितना फर्क है दो चीजों में देखिए साहब। विनर देख रहा है संभावनाओं को, क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं, वो नेगेटिव बात नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि मुझे समस्या क्या है, ताकि मैं समस्या का रेफरेंस देके मैं इससे बाहर हो सकूं और मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे कार्य न करना पड़े। ये पलायन की बात है, वहां पे एक इनिशिएटिव लेने की बात है। मेक इट हैपन, लेट इट हैपन। जो विनर है वो उसे कर दिखाता है, और जो लूजर है वो इंतजार करता है कि कोई और इस कार्य को कर दे, ताकि मुझे यह कार्य करने के लिए जिम्मेदारी से बरी हो जाऊं। तो ये फर्क है साहब विनर और लूजर में। और ये बहुत बड़ी स्लाइड मैं आपको दिखाने वाला, सब सक्सेस जो है आपके सफलता के जो प्रतिशत है, संभावना है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रत्याशा है, वो क्या है। देखिए आपका जो सेंटेंस है, आपका जो विचार है, आपका जो कथन है, वो ये तय करता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं, इस बात की संभावना कितनी है। अगर किसी कार्य को करने के पहले आई वॉन्ट, कि मैं कार्य नहीं करूंगा, तो स्पष्ट है कि आपकी प्रतिशत जो है सफलता का जीरो है। आप कह रहे हैं सफलता मिलना ही नहीं, जब करेंगे ही तो कार्य कैसे होगा। अगर आप कहते हैं आई कांट, कि मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो कुछ चांस है 10%। फिर आप कहते हैं आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे करना है, तो 20%। अगर आप कहते हैं काश मैं कर पाता, तो 30%। अगर आप कहते हैं मैं करूंगा, करना चाहता हूं, तो 40%। अगर आप कहते हैं काश आई थिंक आई कैन, हाँ मैं सोचता हूँ शायद मैं कर सकता हूँ, तो 70%। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो 80%। अगर आप कहते हैं कि मैं करता हूँ, कर सकता हूँ, करूंगा, तो 90%। और आप आपकी एक सोच, आपका एक कथन, वॉन्ट, कांट, कुड, डू, कैन, डिड, ये कितना फर्क पैदा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसका बड़ा महत्व है सर। अपनी तमाम कमियों को लेके हम एक बहाना बनाते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसमें किसी भी प्रतिभा की, किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। क्या है जो आपको कामयाब बनाएंगी, इसके लिए किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनको अपनाना होगा। बीइंग ऑन टाइम, अगर आप टाइम पे होते हैं, पंक्चुअल है, ये इसके लिए किसी नहीं है। वर्क एथिक्स, अगर आपके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता सफलता आपको ना मिले। बिलीव इन योरसेल्फ, की फोकस्ड एंड वर्क हार्ड, अपने आप में विश्वास करें, फोकस रहें और कड़ा परिश्रम करें। प्रोग्रेस एंड समय समय पे इस बात को चेक करते रहें कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपकी उन्नति क्या है। रीप्लान, रीशेड्यूल इफ रिक्वायर्ड, यदि कोई कमी पाई जाती है, आपको लग रहा है कि मैं सफलता के ट्रैक पे सही नहीं चल रहा हूं, जो मैंने योजना बनाई थी उस पर काम नहीं कर रही है, तो आप उसको पुनर्विचार कर सकते हैं। नेवर गिव अप, लेकिन कभी भी आप मैदान छोड़ के नहीं भागना है। थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं योजना में, परिवर्तन कर सकते हैं, विफलताओं से सबक ले सकते हैं, लेकिन मैदान छोड़ना विफलता के डर से, या विफल होकर मैदान छोड़ देना, ये कभी मत करिए। एंड फाइनली अचीव द गोल, आपको अपने लक्ष्य को हासिल करिए। ये सक्सेस चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, क्या आपकी क्रिया होनी चाहिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया होना चाहिए, क्या आपका आचरण होना चाहिए, क्या आपका व्यवहार होना चाहिए, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, दीज टिप्स आर फॉर यू। ये सक्सेस मंत्र है, ये आपको काम आएंगे। आप कुछ भी बनना चाहें, आज आप एक इंजीनियरिंग का करियर कर आपका परस्यू कर रहे हैं, कल आप हो सकता है आईएएस बनना चाहें, जाएं अपने पर फोकस करें। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, अपने प्रति ईमानदार रहें और अपनी ग्रोथ, अपनी समृद्धि, अपने विकास, अपनी प्रगति, अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करें, और वो सही दिशा में आप जा रहे हैं ऐसा इंश्योर करें। बी बोल्ड टू एक्सेप्ट द मिस्टेक यू हैव कमिटेड, अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि आप उसको स्वीकार करें, गलती को दुरुस्त करें और आगे बढ़ें, ना कि आप उस गलती पे पर्दा डालें। तो कहा गया बी बोल्ड टू एक्सेप्ट द मिस्टेक यू हैव कमिटेड, जो भी गलती आपसे हुई है, गलतियां सबसे होती हैं, बड़े बड़े लोगों ने गलतियां की हैं, उनसे सीखा है, विफलताओं से सबक लिया है, आगे बढ़े हैं और शिखर पे पहुंचे हैं। डोंट फॉलो अदर्स, ये बहुत बड़ा मंत्र है साहब, आप दूसरे को फॉलो मत करिए। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरा वो मित्र तो आईएएस दे रहा है, मेरा मित्र तो आईएएस दे रहा है, मेरा मित्र तो साहब एक्टर बनना चाहता है,
उसे बनने दीजिए, अगर आपको बनना है तो बन जाइए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, लक्ष्य वो हासिल, वो लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, लेकिन कोई दूसरा कर रहा है इसलिए मत करिए। लक्ष्य बनाने के पहले कैसे बनाते हैं मैं आपसे बात करूंगा। है जो ईश्वर की शक्तियां हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, आपके जो वेलविशर्स हैं, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। डेवलप द मेंटल टफनेस, ये बहुत बड़ी बात है। जनरली हमारे बच्चे तनाव में टूट जाते हैं, कई बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चे छोड़ देते हैं, ट्रैक से बाहर हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये मान लीजिए कि स्ट्रेस एंड सेटबैक, विफलताएं जो है, आर पार्ट ऑफ द एवरीवन्स लाइफ, हर व्यक्ति के जीवन में आती है, आप अकेले नहीं है, बड़े से बड़े लोग भी तनाव में आते हैं। बस उनकी खूबी ये रहती है कि वो उस हरदा साहब आ रहा प्रेजेंटेशन, हरदा सर, सर करंट स्लाइड से फिर से उसको करिए सर। हाँ हाँ मैं वही वही मैसेज आ गया मेरे पास, वही आ गया राइट सर, प्लीज प्लीज करता हूँ सर, विजिबल दिख रहा है सर, आ गया आ गया, यस सर, यस आ रहा है, अभी आ रहा है, लेकिन फुल स्क्रीन नहीं है सर, फुल स्क्रीन करिए, यस वो तो मैं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आ तो रहा है ना, अब आ गया, आ गया, यस 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 कंटिन्यू प्लीज, चलिए 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 सर। तो ये मान लीजिए कि हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है, स्ट्रेस है, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा होता है, आप अलग नहीं है, आप भी एक इंसान है, ऐसा होना स्वाभाविक है, इसमें कोई गिलानी की बात नहीं है, कोई अपराध बोध की बात नहीं है, ऐसा होता है। ये आपको अच्छे लोगों के साथ रह के, उनका एक मार्गदर्शन लेके, अच्छी किताबें पढ़ के आपको आगे निकलना है। तो स्ट्रेस से घबराइए मत, विफलताओं से घबराइए मत, ये जीवन का हिस्सा है। अगर स्ट्रेस नहीं होगी, विफलता नहीं होगी, तो सफलता भी नहीं होगी। यू हैव टू बी टफ, आपको टफ होना है, आपको दृढ़ होना है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मेंटल आउटलुक, योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। आपकी जिंदगी के प्रति अगर पॉजिटिव रवैया है, पॉजिटिव नजरिया है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 90% rather 99% योर सक्सेस इज इन योर माइंड। मैं पहले भी कहा था कि आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपकी उपलब्धियां, आपका जो आप जीवन में पाएंगे आउटकम, वो सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि आपकी मानसिकता क्या है। आप उसको पाने के लिए अपने आप को विश्वास करते हैं कि नहीं करते, आप में आत्मविश्वास है कि नहीं, दृढ़ता है कि नहीं, जिजीविषा है कि नहीं, हौसला है कि नहीं। आगे देखिए, अवॉइड नेगेटिव टॉक्स, सेल्फ टॉक। कई लोग ये कहते हैं साहब दिस इज टू हार्ड, ये तो साहब बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ साहब, मैं तो गांव से आया हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मैं कमजोर हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। ये सारी बातें दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। असफलता से संबंधित जो भी विचार आपके मन में आते हैं, उनको फेंक दीजिए कूड़े के ढेर में। आप और किसी भी सफल व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ सोच का है, विचार का है, दृष्टिकोण का है, नजरिए का है। आप मान लीजिए मैं सफल होने जा रहा हूँ, आप सफल हो जाएंगे। आप मान लीजिए मुझ में शक्तियां हैं, आपके अंदर शक्तियां हैं। आप मान लीजिए मैं बुद्धिमान हूं, तो आप हैं, आप स्मार्ट हैं। आप अगर आपको लगता है कोई कमी है, तो दूर कीजिए उसको, उस पर काम करिए, परिश्रम करिए, लोगों से सीखिए, मार्गदर्शन लीजिए। लेकिन नेगेटिव टॉक करके अपने आप को कमजोर करना, ये काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा गया है अवॉइड, क्या अवॉइड करना है आपको, ऐसा कभी मत कहिए कि दिस इज टू हार्ड, कभी मत कहिए कि आई एम नॉट स्मार्ट, कभी मत कहिए कि आई विल नेवर गेट दिस, मुझे कभी नहीं मिलेगा, दिस इज होपलेस। हमेशा ऐसा कोई विचार कभी आए तो इसको तत्काल रोकिए और अपने अंदर विश्वास पैदा करिए। मॉनिटर योर परफॉर्मेंस, एवेल्युएट योर प्रोग्रेस। अपने परफॉर्मेंस को आप निगरानी करें, मॉनिटर करें, चेक करें, ऑब्जर्व करें और उसको एवेल्युएट करें, उसका आकलन करें, उसका मूल्यांकन करें और देखें कि मॉनिटर योर परफॉर्मेंस, एवेल्युएट योर प्रोग्रेस, फाइंड आउट द वीकनेस एंड इंप्रूव देम, फाइंड आउट द मिस्टेक एंड रेक्टिफाई देम। यदि कोई कमी है, यदि कोई विफलता है, यदि कोई आपको लगता है कि मैं पिछड़ रहा हूं, तो उसका कारण क्या है, कौन सा एरिया है, कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा विशेषता है जो आपके अंदर नहीं है, कौन सा कमजोर एरिया है, उसको ठीक करें, तो अपने आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए पढ़ाई कैसे करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपको घर पर पढ़ाई करना पड़ रही है, तो घर पर पढ़ाई कैसे करें? सबसे पहली बात है, घर पर आप एकेडमिक इन्वायरमेंट बनाएं, घर पे एकेडमिक इन्वायरमेंट बनाएं, पढ़ाई का माहौल बनाएं। ये मत सोचें कि छुट्टियां हैं, एग्जाम नहीं होंगे, जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको आगे बढ़ना है। एक एग्जाम अगर आप पास हो भी गए, तो इससे जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको जनरल प्रमोशन मिल भी गया, ओपन बुक एग्जाम हो गया, एग्जाम नहीं हुआ, ऐसे पास कर दिया गया, तो भी जीवन की जो यात्रा है उसमें तो आपको संघर्ष करना ही होगा। इसीलिए पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन, सीखना, लर्निंग, ये सब जारी रखिए। सो क्रिएट एकेडमिक एनवायरनमेंट एट होम, बी सेल्फ मोटिवेटेड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग मजे कर रहे हैं, सारा दिन बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आप
उससे ध्यान न दें, बी सेल्फ मोटिवेटेड, अपना जो कार्य है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो योजना है, उस पर काम करें, फॉलो टाइम शेड्यूल स्ट्रिक्टली, आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसमें कोई ढील नहीं देना है, कोई आपको शिथिल नहीं होना है, आपको उसमें छूट नहीं लेना है, have a strong will power and self discipline, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें, सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, ज्यादा छूट न लें, have organized and systematic approach, व्यवस्थित अप्रोच आपकी होनी चाहिए, while preparing notes, solving problems, जब भी आप कोई काम करते हैं पढ़ाई से संबंधित, आप नोट्स बनाते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एक व्यवस्थित अप्रोच बनाइए, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, कोई उसमें दिशा नहीं है, कोई उसके अंदर ये प्लानिंग नहीं है, ऐसा ना करें, डेवलप स्ट्रगलिंग एटीट्यूड एंड टेल योरसेल्फ दैट आई कैन डू इट, हमेशा संघर्ष करें, कोई प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आती है तो फिर से प्रयास करें, दूसरी किताबें रेफर करें, दोस्तों से बात करें, टीचर से बात करें, एक एटीट्यूड ऐसा रखें कि ये हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचें कि नहीं होगा, मैं तो घर पे हूं, मैं क्या करूं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मेरी क्या गलती है, ये सब बेकार के एक्सक्यूज हैं, मैंने पहले भी कहा था, एक्सक्यूज एंड सक्सेस दे टॉक दे डोंट टॉक टुगेदर, स्टॉप सेइंग आई विश, स्टार्ट सेइंग आई विल, ये कहना बंद कर दीजिए कि काश मैं कर सकता, कहिए कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स सक्सेस मेक्स नॉइस, एकांत में अपना काम करिए, जो आपकी सफलता है वो इस बात की घोषणा करेगी, योर सक्सेस विल मेक नॉइस, आपकी सफलता इस बात की मुनादी करेगी, घोषणा करेगी, आपका ऐलान करेगी कि आप सफल हो चुके हैं, अभी चिल्लाने की या जोर मतलब इस बात पे शोर करने की जरूरत नहीं है, आपको चुपचाप से अपना काम करते रहें, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना एकांत में आप कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी और सफलता आपको स्थापित करेगी, आपको प्रसिद्धि देगी, आपको प्रतिष्ठा देगी, आपको ऊपर शिखर पर पहुंचाएगी, वर्क, अब देखिए बड़ी अच्छी मैं बता रहा हूं मैं आपको, वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक बड़ी बात किसी ने कही थी साहब, कि तब तक आप काम करते रहे जब तक आप किसी परिचय के मोहताज न रहे, लोग जानने लगे आपको कि यार ये फलां आदमी अमिताभ बच्चन ये महान एक्टर है, सचिन तेंदुलकर ये महान क्रिकेटर है, लता मंगेशकर एक महान गायिका है, तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाए जब आपका नाम ही आपका परिचय हो, तब तक आपको काम करते रहना, काम तो उसके बाद भी करना है लेकिन कम से कम यहां तक आपको काम करना होगा एस्टेब्लिश होने के लिए, वर्क अंटिल योर आइडल्स बिकम्स योर राइवल्स, जो आपके रोल मॉडल हैं, जिनको देख के आप जो आप जिनकी मिसाल आप दिया करते थे, जो आपको बड़े मॉडल दिखते थे आपको, वो जब आपके प्रतिद्वंदी बन जाएंगे, यानी कि आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि वो आपके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, वो मुकाम जब आ जाएगा, वो समय जब आ जाएगा, वो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, वो माना जाएगा कि आपने कुछ काम किया, सो वर्क अंटिल योर आइडल्स बिकम्स योर राइवल्स, वो आपके प्रतिद्वंदी बन जाए तब तक आपको काम करना है, वर्क सो हार्ड दैट वन डे योर सिग्नेचर विल बी कॉल्ड ऑटोग्राफ, तब तक काम करिए जब तक कि आपके हस्ताक्षर को एक ऑटोग्राफ की मान्यता ना मिल जाए, अर्थात आप एक सेलिब्रिटी बन जाए, आप एक स्थापित व्यक्ति बन जाए, आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाए, आपकी एक प्रतिष्ठा हो, आपका एक मान हो, सम्मान हो। अब मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि टाइम हमारा टाइम भी बहुत तेजी से बीत रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने पहले भी कहा था, एक बात कही थी कि अगर आपका समय प्रबंधन ठीक नहीं है तो आप सफलता नहीं पा सकते, आप में बाकी क्वालिटीज अगर हैं तो भी, तो टाइम मैनेजमेंट और गोल्स के बारे में मैं बात करूंगा। हरदा साहब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, यस सर, ठीक है जी, आगे आगे देखिए, अभी और सफल बनाएंगे आपको हम, सुनिए, टाइम के बारे में कहा गया टाइम इज मनी, समय ही दौलत है, समय ही पैसा है, समय ही सब कुछ है, सबसे बड़ी संपत्ति है तो समय है साहब, यू कैन मेक मनी यू कांट मेक टाइम, आप पैसा कमा सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, बहुत सारी संपदा इकट्ठी कर सकते हैं, दौलत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप समय एक पल का भी, आपको जितना दिया गया जीवन में उससे ज्यादा अरबों रुपए खर्च करके भी एक क्षण एक पल एक लम्हा आप नहीं खरीद सकते, बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए साहब एक पल भी खरीद नहीं पाए, इसीलिए जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करना ये हमारा दायित्व है। An inch of gold cannot buy inch of time, Chinese proverb, चीनी कहावत है साहब, कि एक सोना भी, सोने का एक टुकड़ा भी एक छोड़ एक पल को खरीद नहीं सकता, इसीलिए कभी भी दौलत पे घमंड न करें, आप समय पे घमंड करें, समय का सदुपयोग करें, समय की महत्ता को समझें। टाइम इज वॉट वी वॉन्ट मोस्ट बट वॉट वी यूज मोस्ट, समय एक ऐसी चीज है जो हमको सबसे अधिक जिसकी जरूरत है, समय एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे अधिक हमें जरूरत है, लेकिन हम सबसे बुरी तरह जिसका उपयोग करते हैं, सबसे दुरुपयोग जिसका करते हैं बेरहमी से, वो समय होता है, यही हमारी गलती है, यही हमारी एक भूल है। डोंट से यू डोंट हैव इनफ टाइम, आप कभी ये कंप्लेंट मत करिए कि मेरे पास समय नहीं है, आपको एक दिन में उतना ही समय दिया गया है, यू हैव बीन गिवन सेम टाइम सेम आवर्स पर डे दैट वर गिवन टू महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सचिन तेंदुलकर और एनी अदर ग्रेट पर्सन, किसी भी महान व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे दिए गए थे, वो आपको भी दिए गए, एक घंटे में 60 मिनट दिए गए थे, आपको भी दिए गए,
तो आपको समय की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसका सदुपयोग करना है, ये आपको देखना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। अब टाइम मैनेजमेंट अगर आपको पुअर है तो ये आपको पता कैसे पड़ेगा? अगर आप मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे हैं तो उसके कुछ संकेत हैं, कुछ चिन्ह हैं, कुछ प्रतीक हैं, वो क्या है आप देखिए। अगर आप कार्य करने में आखिरी मिनट तक बिल्कुल अस्त व्यस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप समय का प्रबंधन सही नहीं कर रहे हैं। अगर आप में एक चिंता रहती है, भय रहता है, बेचैनी रहती है, नर्वसनेस रहती है, काम करते वक्त घबराए हुए कैसे होगा, कब होगा, तो ये एक समय प्रबंधन आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी है आपकी योजना में, अनिश्चितता है, तो ये टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा आपका। डेज गोइंग अनप्रोडक्टिव, अगर आपके जो दिन है, जो समय है, उससे कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा, आपका समय उत्पादक नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आप टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं है, आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे, सही प्रबंधन नहीं कर रहे, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। तो काम कैसे करना है देखिए, आप टाइम वेस्टर को आइडेंटिफाई करिए, टाइम आपका कहाँ वेस्ट हो रहा है। आज के जमाने में बच्चों की अगर मैं बात करूं, सबसे अधिक टाइम आपका मोबाइल पे वेस्ट हो रहा है, टू मेनी टेलीफोन कॉल्स, आप दिन भर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये आप मान लीजिए अगर आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे, मैंने इसको क्रॉस किया है लाल रंग से, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अनुशासित होना होगा, समय का प्रबंधन करना होगा, समय का अपव्यय आपको रोकना होगा। टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, इंटरनेट चैटिंग, अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे या और भी जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इनका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, ये भी एक तरीके है सफलता पाने के आज की डेट में। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, आपके बीच में संदीप द्विवेदी जी हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से कितना आगे निकल गए हैं आप देख सकते हैं। तो सफलता इन चीजों से मिलती है, इनको आप सदुपयोग करें और एक अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो जीवन में आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको इसके एडिक्ट हो जाएंगे, इसको व्यसन की तरह इस्तेमाल करेंगे, आप दिन भर यही लेके बैठे हुए हैं, किसने कितने लाइक किए मेरे, किसने क्या किया, किसने क्या पोस्ट डाली, तो उससे आपको हासिल नहीं होगा। मीनिंगलेस डिस्कशन, फालतू की बातचीत में गप्पे, यहाँ वहां की गप्पे, इनमें टाइम वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं है। डूइंग वर्क ऑफ अदर्स, अगर आप दूसरों के काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपका अपना समय जाया होगा। किसी की मदद करने से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग मैंने देखा है दूसरों को काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अपने काम को छोड़कर, तो उसको अवॉइड किया जाना जरूरी है। टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, बी पंक्चुअल, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पंक्चुअल रहें, आप सिस्टमेटिक रहें। सिस्टमेटिक से मतलब है आप एक सिस्टम डेवलप करें, मुझे इस तरह काम करना है, एक योजना बनाए, एक दिनचर्या बनाए, एक टाइम टेबल बनाए, समय सारणी बनाए, बी ऑर्गेनाइज और उस समय सारणी को फॉलो करें। ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्था, व्यवस्थित रूप से कार्य करें, फोकस रहें, एकाग्र रहें, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई फोकस नहीं है, तो इससे काम नहीं चलेगा। सो यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी सिस्टमैटिक, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज, यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, कई बार हम क्या करते हैं हर चीज को अर्जेंट मानते हैं। आपको पता होना चाहिए अर्जेंट काम कौन सा है, इंपॉर्टेंट सारे काम हो सकते हैं लेकिन जरूरी है हर काम अर्जेंट हो। तो प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करें, जो काम अर्जेंट है उसको पहले करें, जिसकी प्राथमिकता का क्रम नीचे है उसको बाद में करें, इसी क्रम में चीजें करें। शेड्यूल योर टाइम, अपना एक समय सारणी बनाएं, उसको फॉलो करें। मेंटेन टाइम लॉग, टाइम लॉग से मतलब है आप इस बात को नोट करें डायरी में कि मैंने कब कौन सा काम किया, कितना समय किस काम को दिया, जो मैंने तय किया था वैसा किया कि नहीं किया। तो टाइम लॉग मेंटेन करें, रिकॉर्ड मेंटेन करें, रजिस्टर मेंटेन करें और आप देखें कि आपने कितना समय यूजफुल किया, कितना समय प्रोडक्टिव काम में किया, कितना समय फालतू वेस्ट किया। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप 90% समय को वेस्ट करते हैं। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाल मटोल जो है, जो विलंब है, जो टालना चीजों को कल के लिए, कभी मत करिए। इसीलिए कहा गया है देयर इज नो टाइम लाइक प्रेजेंट टू डू एनी वर्क, किसी भी कार्य करने के लिए से टाइम वो मान न तो वो हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है इसमें, एक बार देखिए क्या हो रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम। हाँ एक इंटरनेट का, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, क्या दिखा रहा है, नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। कौन से कनेक्ट करिए आप, शायद बैटरी तो नहीं ऑफ हो गई करके। क्या दिक्कत आ रही है, हाँ
इसी से सबको कनेक्ट कर लिया। संदीप थोड़ा देखो, संदीप द्विवेदी थोड़ा सर से बात करके देखिए। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ एक, हाँ ये एक मिनट है ना, करता हूँ। एक्चुअली नेट की कोई प्रॉब्लम है। संदीप द्विवेदी, संदीप द्विवेदी एक मिनट सर से थोड़ा बात करिए। संदीप द्विवेदी सर के एंड पर कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा और थोड़ा बेयर करते हैं, देखते हैं। जी सर। हाँ एक मिनट सर से बात करिए थोड़ा, है ना, सर को फोन लगा के बात करिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट लाउड स्पीकर लगाना। करना पड़ेगा ना उनको किस वजह से। सुखवानी सर आवाज आ रही है मेरी आपके पास तक? नेट कनेक्ट नहीं है। फिर नेट किस कनेक्ट हो जाएगा? हरदा सर बोलो। हरदा सर। हाँ एक मिनट सर, माइक ऑन करिए आप। हाँ हाँ ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क से थोड़ी आपकी आवाज आएगी। आप टेलीफोन से कनेक्ट करिए। टेलीफोन से करता हूँ। संदीप द्विवेदी आपकी बात हुई क्या? नहीं सर, मैं करता हूँ क्या, मैं करूँ? हाँ एक बार सर से बात करिए। एक्चुअली क्या है, अभी मेरा नेटवर्क उसमें वो इसमें लगा हुआ है, है ना, नेटवर्क। हाँ, सर से बात करके थोड़ा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके। हाँ, जी जी आलोक सर। हाँ ये यादव जी कहाँ है आलोक सर? हाँ नमस्कार। मैं कह रहा था इतने बढ़िया पेस पर वो माइंड अप होने की स्टेज में आया, कई बार टेक्निकी समस्याएं ऐसे समय पर आती हैं। जी सर। कि सब बिल्कुल सही समय पर माइंड अप करने के समय पे जब वो आए उसी समय ऐसा कई बार होता है सर, अच्छी चीजों में बुरी सर्दियां जल्दी आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर सर, जैसे कनेक्ट होते हैं वैसे अपन उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन उनसे करवाते हैं, ताकि कोई भी डाउट्स जो भी चीजें रहेंगी वो अपन लोग डिस्कस कर सकेंगे। सर मैं शिवम बढ़ गई है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं सर? अच्छी चीजें में बुरी शक्ति जल्दी आती आपका। बिल्कुल आपकी चीजों को तो पूरी जन समर्थन मिल गया ना सभी की हंसी से। जी सर। जी हमारे बीच में सब कवि संदीप द्विवेदी भी है, इनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो सर आलोक सर मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सतना पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास आउट हैं और हाँ जी, और जो रत्न निकलते हैं ना सर वो सर उसी तरह से ये रत्न है सर, सपना के लिए रत्न है वो। जी 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 हम अपने पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं तो सर उपलब्धियों में जब हम गिनते हैं तो संदीप का नाम प्रथम आता है। नंबर देखिए जी सर, इस बच्चे की वाकई में जिस समय ये हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हुआ करता था उस समय हर ओकेजन पर ये अपनी कविताएं हम लोगों को लिखकर दिया करता था, तो हमें बड़ा लगता था ये इसके विचार बड़े इतनी उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है, और उसने वास्तव में वो अचीव किया है जो उसे चाहिए था। आज का जो डिस्कशन हो रहा था उसमें भी यही चीज आती है, आप अपना ड्रीम जो था उसका ड्रीम उस पर उसने काम किया और किया है। हेलो संदीप बेटा, सर बात की अपने सर से? आपका माइक बंद है, माइक ऑन करें। एक मिनट सर अभी चल रहा, मैं बात कर रहा हूँ। आ गया अर्धा साहब, आ गया, आ गई आवाज। जी हाँ जी आवाज आ गई आपकी सर, प्रेजेंटेशन लाइव ठीक है? हाँ सर हाँ मैं ला रहा हूँ। जी 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 उनका नंबर देखना, ये तो नोट कर। आया सर? यस यस सर, हाँ प्रेजेंटेशन भी आ गया। हाँ यहाँ पे थे, ये बता दिया, आ गया सर, आ गया। ये बता दिया था मैंने, देख ली थोड़ा सा ये। हाँ सर ये अभी पंक्चुअल फोकस, कंटिन्यू कर लीजिए सर, कंटिन्यू कर, ये हो गया अब बिल्कुल कंटिन्यू करिए सर, यहाँ से यहीं से कर लीजिए सर। हाँ ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, देखिए। हाँ देखिए गोल सेटिंग से चलिए, है ना।
जी हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। गोल जो है स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, देखिए स्पेसिफिक, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब एडेप्टेबल, आर मतलब रियलिस्टिक, टी मतलब टाइम बाउंड। अब देखिए मतलब क्या है, स्पेसिफिक से मतलब है कि वो डिफाइंड हो, विशिष्ट हो, क्लियर हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं तो ये कोई गोल नहीं है। आप कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, ये स्पेसिफिक गोल है, विशिष्ट गोल है, परिभाषित गोल है, डिफाइंड गोल है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अर्थात मुझे इंदौर जाना है, ये मेजरेबल गोल है। मुझे कहीं जाना है, ये मेजरेबल नहीं है। मुझे पता होना चाहिए डिस्टेंस कितनी है, आवर्स कितने हैं, समझ रहे हैं। एडेप्टेबल, कुछ उसमें बदलाव की संभावना हो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ा सा उसमें। आ रही आवाज हरदा साहब? यस ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल प्लीज कंटिन्यू। ठीक है यस ठीक ठीक है। आर मतलब रियलिस्टिक, गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत काल्पनिक गोल लेके आप आगे जाए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एडेप्टेबल यानी मामूली से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, वो वास्तविक होना चाहिए, और वो टाइम बाउंड होना चाहिए, समय की म्याद होना चाहिए, इतने समय में मुझे कार्य पूर्ण करना है। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि आपके द्वारा किसी भी गोल को हासिल करने की जो संभावना है वो कितने प्रतिशत होगी, या किसकी प्रोपोर्शनेट होगी, किस पर निर्भर करेगी, मैं ये बात बताने जा रहा हूं आपको। देखिए आपके द्वारा किसी लक्ष्य को हासिल करने की संभावना इस पर निर्भर करती है कि किस पर करती है। देखिए क्लियरिटी ऑफ गोल्स इन योर माइंड, आपके जहन में लक्ष्य की स्पष्टता है कि नहीं। अगर आपको क्लियर नहीं है गोल तो आप कभी भी गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप सिर्फ हाथ पांव मारते रहेंगे यहां वहां और टाइम वेस्ट करेंगे। तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है योर डिजायर टू अचीव योर गोल्स, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मुझे गोल प्राप्त करना है। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस टू अचीव देम, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। योर एफर्ट्स टू अचीव गोल, आपके प्रयास आपकी कोशिशें ये तय करेंगी कि आपको सफलता कितनी मिलेगी। योर डेडिकेशन, आपका समर्पण। योर कॉन्सेंट्रेशन, आपकी एकाग्रता। तो आपके जहन में गोल की स्पष्टता, आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास, आपका आपकी आस्था, आपका निष्ठा, आपकी एकाग्रता, ये चीजें मिलकर तय करेंगी। अब देखिए अब मैं चीजों को कंक्लूड कर रहा हूँ हरदा साहब। हाँ सर करिए। जी सर, जी 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 सर, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि सफलता क्या है, कैसे हासिल करनी होगी। जो बातें हमने कही थी उसको समराइज कर रहा हूं मैं। अब देखिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, हमने देखा स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। स्मार्ट गोल आपके होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास एक योजना होना चाहिए कि मुझे इस गोल को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। हार्ड वर्क, आप कड़ा श्रम परिश्रम मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, तत्पर हो, यह बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन, मैंने पहले भी कहा था कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे आपको पीछे खींचने की, आपको नीचे उतारने की, आपकी मंजिल से पीछे धकेलेंगे आपको। तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, फोकस एकाग्रता होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल, मैंने पहले भी कहा था कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैंने आपको बताया था, आपको पंक्चुअल होना होगा, आपको सिस्टमेटिक होना होगा, आपको ऑर्गेनाइज होना होगा, आपको डिसिप्लिन होना होगा, और आपको समय के अपव्यय से बचना होगा। ये सारी बातें आप करेंगे तो आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है। करना क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिसाइड योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अंडरस्टैंड एंड मेक कमिटमेंट, लक्ष्य को समझें, उसके प्रति कमिटेड हो, उसके प्रति समर्पित हो, मेक ए प्लान स्ट्रेटेजी टू अचीव योर गोल, एक योजना बनाए, एक नीति बनाए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। उसमें आप ध्यान रखें आपकी सीमाएं क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, आपके विशेषताएं क्या है, आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियां हैं, उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए लक्ष्य का निर्धारण करें, उसके प्रति समर्पित हो, उसके लिए योजना बनाए, उस योजना पे 100% डेडिकेशन यानी कि समर्पण और 100% कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एकाग्रता के साथ काम करें, अपने आप में विश्वास करें, बिलीव इन योर सेल्फ, कड़ा परिश्रम करें, ऑलवेज कीप फोकस्ड, एकाग्र रहें, ये चीजें आपको सफलता तक ले जाएंगी। मैंने पहले भी फॉर्मूला दिया था, फिर से दे रहा हूं, ड्रीम यानी कि आपका ख्वाब, आपका स्वप्न, आपका लक्ष्य, प्लस डेडिकेशन यानी कि आपका समर्पण, आपकी निष्ठा, आपके प्रयास, प्लस हार्डवर्क यानी कि आपका परिश्रम, ये सब मिला के आपको जो मिलेगा उत्पाद वो होगा सक्सेस, वो होगी सफलता, वो होगी कामयाबी। आपको हमेशा अपने आपको कहते रहना है, टेल योर सेल्फ ऑलवेज यू आर इंपॉर्टेंट, आप मान के चलिए कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप कोई, मैंने पहले भी कहा था, मामूली इंसान नहीं है, आप ईश्वर की संतान है, आपको वो सारी शक्तियां हासिल हैं, वो आपके सारे सौभाग्य, वो सारे ईश्वर ने सारी चीजें आपको दे रखी हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप समर्थवान हैं, आप ऊर्जावान हैं,
यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर लेंगे, यू आर वर्थी ऑफ ग्रेट थिंग्स. आप मामूली चीजों के लिए नहीं बने हैं, आप बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए, बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए, जीवन में कुछ बनने के लिए आपको यहां भेजा गया है. एवरीथिंग विल वर्क आउट. जो कुछ आप चाहेंगे वो हो जाएगा आपके प्रयासों से, आपकी कोशिशों से, आपकी निष्ठा से, आपके समर्पण से. थिंग्स विल बी बेटर. अगर कोई बाधा है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो वो ठीक हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करें, प्रयास करें. बेस्ट इज येट टू कम. सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है. एंड दिस टू शैल पास. अगर कोई बुरा समय है तो ये भी गुजर जाएगा. आपको पता है एक सेंटेंस बहुत अच्छा माना जाता है, ये भी गुजर जाएगा. चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, वो गुजर जाता है. तो कभी उनको घबराना नहीं है, पाथ को छोड़ना नहीं है. वी बिलीव व्हाट वी टॉक टू अवर सेल्फ. हम जो अपने आप से कहते हैं वही हम बन जाते हैं. इसीलिए अपने आप से कहिए कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं समर्थवान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर का कृपा पात्र हूँ, मैं सारे आनंद का हकदार हूँ, दुनिया की हर अच्छी चीज में मेरा हक है. देखिए साहब, स्टे पॉजिटिव, स्टे फाइटिंग, स्टे ब्रेव, स्टे एम्बिशियस, स्टे फोकस, स्टे स्ट्रॉन्ग. फिर देखिए, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, जुझारू रहें, योद्धा बनके रहें, बहादुर बनके रहें, महत्वाकांक्षी बनके रहें, एकाग्र बनके रहें, पावरफुल बनके रहें, स्ट्रॉन्ग बनके रहें, दृढ़ बनके रहें. और देखिए साहब, याद रखें, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम आपको करना ही होगा. इससे आप कभी भागने की कोशिश न करें. नथिंग इज इम्पॉसिबल, सो योर सक्सेस. मैंने पहले भी कहा, कुछ भी असंभव नहीं है, इसीलिए आपकी सफलता भी असंभव नहीं है, वो संभव है, मुमकिन है, और वो आपको मिलेगी. कैरियर सक्सेस इज जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन. ये सक्सेस एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं है, पड़ाव नहीं है. आज भी अमिताभ बच्चन हो या कोई भी लता मंगेशकर हो, ये आज भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रियाज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ऐसे जो उनको सफल बनाए रखें, उनकी सफलता को कायम रखें. इसीलिए आपको सक्सेस पाके चुप नहीं बैठना है, रुक नहीं जाना है, विराम नहीं करना है, विश्राम नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है. कीप फेथ इन गॉड एंड इन योरसेल्फ. ये बात एक ही है. अगर आप ईश्वर में आस्था रखिए, खुद में आस्था रखिए, ये दोनों भी एक ही बात है, क्योंकि आप भी ईश्वर का अंश है. टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव. अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आप हैं, आपका शरीर है तो ही आप हैं, और बाकी तो सब मिथ्या है. बी ए वॉरियर, नॉट ए वॉरियर. एक योद्धा बने, एक वॉरियर न बने. मतलब एक चिंता करने वाला, हताश, निराश व्यक्ति बनने की बजाय एक वॉरियर बने, योद्धा बने, संघर्ष करें, जुझारू बने, हौसला रखें. जीवन से लड़ाई लड़नी है हमें, आगे बढ़ना है, उपलब्धि हासिल करनी है, बड़ा कद हासिल करना है, शीर्ष पे जाना है, शिखर पे जाना है. और आखिरी मेरी शुभकामनाएं, विजयी भव. ये मेरा ईमेल एड्रेस है, vbansukhwani@gmail.com. ये मेरा 9424878696. ये मेरा फेसबुक पे फैन क्लब है, यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको आप ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें. सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. सर 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 कौन बोल रहे हैं? सर, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नौगांव से एक स्टूडेंट हूँ. सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा सा आप रुकी इजाजत. आप एक नहीं, आप 10 क्वेश्चन पूछिए. पहले हरदास साहब से पूछिए कुछ कहिए और कुछ. एक क्वेश्चन हम अभी रखेंगे. हम सभी रिक्वेस्ट करेंगे अभी सुकानी साहब से कि हम सबकी क्वेरीज का भी वो जवाब दें. पहले उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए. मैंने कहा ये मेरी शुभकामनाएं, ये मेरी शुभकामनाएं है, आपका कल्याण हो, विजयी भव. आप अपनी मंजिल को हासिल करें, कामयाबी हासिल करें, शिखर को हासिल करें, और हमेशा शिखर पे कायम रहें, और मुझे याद रखें, ऐसी मेरी भावना है, मेरी मंगल कामना है. अब ये मेरा मेरे बारे में जानकारी है, ये मेरा ईमेल है. चाहे तो इस स्लाइड को नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मेरा ये फैन क्लब है फेसबुक पे, इसको ज्वाइन करें. मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें. और संदीप द्विवेदी मेरे अच्छे मित्र हैं, आप उनके माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं. तो ये मेरे बारे में कुछ मैं कहना चाह रहा था. अब मैं हरदा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो भी बुराई उनको करना है वो करें, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछें. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सो नाइस प्रेजेंटेशन. और ये निश्चित ही सभी के मोटिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है. तो ये ओपन सेशन है, इसके बाद किसी की कोई भी क्वेरीज हो तो सर से क्वेश्चन कर सकते हैं. तो आप जिनको भी क्वेश्चन पूछना है तो पहले अपना माइक ऑन करेंगे, वो फिर पूछेंगे, और जब उनका क्वेश्चन पूरा हो जाए तो माइक को म्यूट कर देंगे, ताकि सर की जो आवाज़ है वो क्लियर आप तक पहुंचे. और ये ओपन डिस्कशन है, कोई डाउट्स हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सर ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हैं. और उसमें आखिरी में ये बात भी कही गई है कि देयर इज सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी है. तो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद. काफी संयम के साथ उनने प्रेजेंटेशन को सुना. और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप आमंत्रित हैं, तो जिनको भी
नौगांव से वो बच्चा कौन है भाई, अब अपनी बात रखिए। जी सर, जी सर, मैं हूँ सर, शिवम बढ़ गई है। शिवम बढ़ गई है, बोलिए बेटे। सर मेरा क्वेश्चन सर से है, सबसे बड़े तो मैं सर मैं इनका फैन हो गया आज सर, इतना अच्छा इन्होंने बताया सर कि लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रश्न करें। और सर मेरा क्वेश्चन ये है सर से कि सर हम जब अपने किसी ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं तो हमें लोग ऐसे मतलब भटक जाते हैं दिशा से, या फिर हम लोग कुछ लोग भटका देते हैं कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, नहीं आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये बन सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम खुद कैसे चयन करें उसका, मतलब उस उम्र में तो हमारे पास इतनी तर्क शक्ति या कह सकते हैं कि कुछ उद्देश्य नहीं रहता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। और अगर मान लीजिए हम किसी चीज में चले जाते हैं उसके बाद हमें लगता है कि नहीं अब हम ये नहीं कर पाएंगे या फिर ये हमारे लिए सही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए सर? ठीक है, बोलो जवाब दो, हो गया क्वेश्चन पूरा? जी सर, जी सर। ठीक है, देखिए दो बातें हैं, आपने कहा कि पहले तो हम अपना कैरियर निर्धारित कैसे करें, ठीक है। सामान्यतः हमारे यहाँ क्या होता है कि 10 12th में हम एक कैरियर चूज कर लेते हैं जिसमें, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। हाँ देखिए, हम जब अपने कैरियर का निर्धारण करते हैं, चाहे हम साइंस लेंगे, इंजीनियरिंग लेंगे, मेडिकल लेंगे, जो भी लेंगे, वो हमारे माता पिता या हमारे समाज के प्रभाव के दायरे में होता है। हम अपनी कोई मत न तो उसमें लगा पाते हैं, न हम लगाने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं। तो सामान्यतः समाज की जो परिदशा है, जो लोगों की धारणाएं हैं, जो माता पिता का जो विचार है, जो उनकी ख्वाहिशें हैं हमारे बारे में, वो क्या बनाना चाहते हैं, वो हम बन जाते हैं, मतलब हमको बनाया जाता है। तो ये हमारी एक सामाजिक एक ऐसी विडंबना है। तो वो तो आप आ चुके हैं कैरियर में, ठीक है। अब आगे बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, आप इसके बाद पॉलिटेक्निक डिग्री करने के बाद भी आप बी कर सकते हैं, आप बी ना करना चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आप एक मोटिवेशनल, बहुत सारी संभावनाएं हैं दुनिया में, इतनी संभावनाएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप खुद से बात करें कि आपको कौन सा काम करने में आनंद आता है, क्योंकि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है या जो हमारी जो परम अवस्था है वो आनंद की अवस्था है। अगर आपको जिस काम में आनंद आता है, जिस काम में आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आपको खुशी महसूस होती है, उस काम में आपकी सफलता की संभावनाएं अधिकतम रहती हैं, क्योंकि आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ते। अब मान लीजिए मुझे कविता का शौक है और मैं कविता पे घंटों काम कर सकता हूँ, घंटों पढ़ सकता हूँ, घंटों में उसके बारे में बात कर सकता हूँ, और ऐसा काम जो मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, मेरे लाइकिंग में नहीं है, तो मैं उसमें उतना मास्टरी, उतना एक्सपर्टाइज नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर ये कि खुद से बात करें, समाज के प्रभाव में अब ना आए आप, लेकिन एक बार आपने तय कर लिया तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस पर काम करें, मेहनत करें और उसको हासिल करें। क्योंकि अगर उसके बाद विफलता होती है हमारे प्रयासों की कमी की वजह से, तो आपको लगेगा यार कि मैंने रास्ता क्यों चुन लिया, जबकि रास्ता कुछ गलत नहीं होता, हमारे प्रयास डिसाइड करते हैं आपकी। चलिए सर, सर सुखमानी सर, इसमें सर आर्थिक स्थिति कैसी है, आप पे जिम्मेदारियां कितनी है, वो सब देख के आप तय करिए। एक बार तय करने के बाद आप उस पे उस पथ पे आगे बढ़िए, ये मेरा कहना था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर सुखमानी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप कोई दिक्कत हो ना, कोई दिक्कत हो। सर सुखमानी सर, मेरा एक सवाल है, स्लाइड कौन बोल रहे हैं, द्विवेदी जी बोल रहे हैं, सर सुखमानी सर। हाँ, इसमें सर स्लाइड खाली कर दूं? हाँ, खाली कर दें तो आप स्क्रीन पर आ जाएंगे सर इसमें, है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, मैं क्या संदीप मैं आ गया हूँ। यस, आप अपना हाँ अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने तो आपने जो जितने भी स्लाइड में आपने सब कुछ चीजें बताई तो लगभग मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए और उसमें से मैं आपसे बहुत कुछ हासिल कर पाऊंगा, मैं सर जानना चाहता हूं कि आप किससे प्रेरित हैं सर, किस व्यक्ति को आप अपना आइडल मानते हैं और क्यों मानते हैं सर? देखिए क्या होता है, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, देखिए संदीप जी आप खुद विद्वान हैं और आप जानते हैं कि आपने बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं, आप एक रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए, लाखों फॉलोअर्स हैं आपके, तो मेरा सोचना आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं वहां कुछ ऐसे रोल मॉडल होते हैं। मान लीजिए मैं शायरी की बात करूं तो मैं बशीर बद्र साहब से प्रभावित हूं, अगर मैं किसी और एरिया में बात करता हूं, मैं टेक्निकली भी बहुत सारे काम करता हूं, तो जो मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं वहां किसी साइंटिस्ट से मैं प्रभावित हो सकता हूं, मैं गीत लिखता हूं तो मैं किसी और राइटर से प्रभावित हो सकता हूं। ऐसा इसलिए होता है जब हम काम शुरू करते हैं तो हमें वो व्यक्ति पसंद होता है,
और धीरे धीरे हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बाद में हमारी एक अस्तित्व बन जाता है, एक वजूद बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं छाप उसकी रहती है। तो हर क्षेत्र में हमारे रोल मॉडल अलग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरा कहना है कि हमें अपना वजूद बनाना चाहिए, किसी के मॉडल से, रोल मॉडल से प्रभावित होकर उसको फॉलो करना या उसकी नकल करना आपको बहुत आगे नहीं ले जाता, क्योंकि अगर असल माल मार्केट में मौजूद है तो नकल माल को कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए आप अपने आप को रोल मॉडल मानिए और अपने आप को एब्सोल्यूट बनाइए, परफेक्ट बनाइए, प्रयास करिए, कोई भी, मतलब मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि किसी व्यक्ति को मान के उसकी शैली को फॉलो करना कोई वो नहीं है, उसकी जो सफलताएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो कामयाबी हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो, ये जरूरी है, लेकिन उसकी शैली, उसका तरीका, उसकी पद्धति को हम फॉलो करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरे जो रोल मॉडल हैं वो अपनी उपलब्धियों की वजह से हैं, ना कि अपनी शैली या उसकी वजह से। तो मेरे बहुत सारे रोल मॉडल हैं और मैं खुद को विकसित करने की कोशिश करता हूं, सभी से सीखता हूं मैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, मैं कोशिश करता हूं। उसमें भी कोई बात है, अगर उसको कोई चीज आती है जो मुझे नहीं आती तो मुझे सीखना होगा, क्योंकि जीवन की यात्रा में सीखना एक सतत प्रक्रिया है और जीवन के आखिरी समय तक वो कायम रहती है। सर मैं सर हर कोई एक ये होता है कि जैसे हमारे साथ में जो है हम उनसे इंस्पायर हैं, एक चीज और होती है सर कि हम पौराणिक पात्रों से बहुत प्रभावित होते हैं, तो कोई कोई ऐसे पौराणिक पात्र हैं जो आपको कुछ आगे करने के लिए प्रेरित करते हो, या कि कुछ कोई ऐसे पौराणिक पात्र जिसका आप जिक्र करना चाहें कि आप इनसे बहुत कुछ सीखते हैं? देखिए क्या होता है, हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में हम भारतीय लोग बड़े समृद्ध हैं, बड़े संपन्न हैं, बड़े हम लोग धनवान है कि हमारे पौराणिक पात्रों में हर गुण के लिए कोई ना कोई पात्र है। वाह, आप देखिए हनुमान जी जैसा भक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। वाह जी सर। कर्ण जैसा दानवीर नहीं मिलेगा, अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं मिलेगा आपको, राम जी जैसे मिसाल जो है पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम हम बोलते हैं, मर्यादा की मिसाल। तो मैं सभी से जो जिस गुण का वो प्रतिनिधित्व करते हैं मैं उनसे वो सीखने की कोशिश करता हूँ, कोई एक पात्र से मैं नहीं सीखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचुर संख्या में, मेरे चेहरे में कुछ है भी नहीं देखने लायक, मेरे चेहरे में देखने लायक कुछ नहीं है सर, दिख रहा सर। चलिए, तो मैं ये कहना चाह रहा था, सुनिए मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे पौराणिक, हमारे जो विराट सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, जो विरासत है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, वो इतने विराट है कि हमें किसी एक पात्र पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आप भगवान कृष्ण को देखिए, वो आपको योग की शिक्षा देते हैं, आप भगवान राम को देखिए मर्यादा की शिक्षा देते हैं, आप हनुमान जी को देखिए भक्ति की शिक्षा देते हैं, आप मीरा को देखिए समर्पण की शिक्षा देती हैं, आप जितने भी पात्र, कर्ण को देखिए दानवीर कर्ण, अर्जुन को देखिए, अभिमन्यु को देखिए, हर पात्र अपने आप में मुकम्मल पात्र है और सभी से मैं सीखता हूँ। शबरी को आप देखिए, शबरी भक्ति की मिसाल है, हजारों साल इंतजार करती है भगवान के आने का, ये है कि हमें विश्वास है ईश्वर में। तो मैं हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। अभी मैंने रामायण सीरियल देखा तो मैं भरत जी के पात्र से बहुत प्रभावित हुआ, जटायु के पात्र से मैं प्रभावित हुआ, मैं तो इवन मैं आपको बताऊं विभीषण के पात्र से बड़ा प्रभावित हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ किसी एक पात्र में, हमारे यहाँ हर गुण के लिए पात्र हैं और सभी को मैं पढ़ता हूँ लगातार, मैं साहित्य पढ़ता हूँ, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ता रहता हूँ, तो मैं रोज सीखने को मिलता है और सभी से मैं प्रेरणा लेता हूँ, मैं आपसे प्रेरणा लेता हूँ, इसमें क्या है। थैंक यू सर। और बताएं सर, एक मैं सर, हाँ मैं ये कह रहा था प्रिय संदीप के प्रश्न के जवाब में आपने सर शानदार प्रश्न का उत्तर दिया, उसमें एक शब्द आपने बोला कि मैं बसीर भद्र साहब से प्रेरित हूँ, और चूंकि मैं ये जानता हूँ कि सर आप स्वयं भी बहुत बढ़िया कवि हैं, तो मैं बसीर भद्र साहब का एक बंद अगर सुनाकर आप अपनी स्वयं की एक कविता पेश कर देंगे सर तो बड़ी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बिल्कुल सुनाते हैं। मैं चाह रहा था बच्चों के कुछ सवाल, बच्चों के मैं तो सुना दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ बच्चों के सवाल हो तो पहले बोलने, कुछ मान करके आप सबसे अंत में सुनाइएगा इसे सर। चलिए सर, अंत में सुना दूंगा, कोई और प्रश्न तो बताएं सर। चलिए पार्टिसिपेंट्स में से क्वेश्चन करें सर, जिनको कोई डाउट्स हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई क्वेरीज हो, अपना माइक पहले ऑन कर लें, वो फिर अपना जो भी पार्टिसिपेंट सर से कुछ क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, प्लीज अपना माइक ओपन कर लें और पूछ सकते हैं सर से। यस सर वेलकम। यस सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड अवर प्रिंसिपल सर मिस्टर पी के जोड़िया सर, अवर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट माय सेल्फ सुनील, गुड आफ्टरनून सर माय सेल्फ सुनील कुमार यादव सर, सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा सर। मैं सुनील यादव जी, एक मिनट सुनील यादव जी, एक मिनट क्षमा चाहिए, मैं ये कह रहा था ये अनुराग ने प्रश्न शुरू कर दिया तो उसे पूरा करने दीजिए बेटा। जी सर
जी सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड अवर प्रिंसिपल सर मिस्टर पीके जड़िया सर एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर मिस्टर हरदास सर एंड मिस्टर विजय सुकुमार सर बात रखिए आप बात रखिए जी सर 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 मेरा क्वेश्चन है कि सर जब भी हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर किसी से मोटिवेट होते हैं तो सर उसका सर असर सर कुछ टाइम के लिए रहता है लेकिन सर उस असर को सर हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए सर अगर कोई ऐसा मेथड हमें पता चल जाए सर मोटिवेट रहने का हमेशा के लिए सर लैक ऑफ जी चलो जवाब दो यस जी सर देखिए मैंने दो बार अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि नोबडी कैन मोटिवेट यू परमानेंटली ठीक है अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सुनिए आप सुनेंगे जी सर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे ठीक है वो लाखों रुपए लेते थे एक प्रेजेंटेशन के ठीक है उन्होंने एक जगह लेक्चर दिया एक लेडी थी उसने लेक्चर अटेंड किया दूसरे दिन वो लेडी चार दिन बाद वो लेडी गई उनके पास बोली आप सब बकवास करते हैं आपका मोटिवेशन किसी काम का नहीं है तीन दिन हुए मैं सब बातें मेरे दिमाग से निकल चुकी हैं तो आपका मोटिवेशन किसी काम का नहीं तो उन्होंने कहा कि मैडम आप कितने दिन में नहाते हैं उन्होंने कहा मैं डेली नहाती हूं तो उन्होंने कहा नहीं सुनिए बहुत बड़ी बात है उन्होंने कहा जिस तरह आप डेली नहाते हैं क्योंकि आपके ऊपर समाज की आप जब जाते हैं रास्ते में वहां की धूल मिट्टी गर्द ये सारी चीजें आपके बॉडी पे आ जाती हैं तो आप डेली नहाते हैं ताकि आप स्वच्छ हो जाए होते ना इसी तरह जो हम आपको मोटिवेट करते हैं इसके बाद आप निकलेंगे इस वेबिनार रूम से दुनियादारी से आप घिर जाएंगे दुनियादारी से घिर जाएंगे तो वो नेगेटिव विचार आपके ऊपर आएंगे उन नेगेटिव विचार को निकालने के लिए आपको फिर से मोटिवेट होना होगा यानी कि जिस तरह हम नहाते हैं डेली उसी तरह आपको डेली मोटिवेट होना होगा तो अच्छी किताबें पढ़िए अच्छे वीडियो देखिए अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए कुल मिला के मेरे संपर्क में रहिए तो आप मोटिवेट रहेंगे ठीक है यस सर सुनील भाई यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन जी सर सर गुड आफ्टरनून सर मेरा एक क्वेश्चन था सर ने अभी एक बात बताई थी कि आप लॉकडाउन में बहाना मत करिए कि आपको बुक नहीं मिल रही है आप एग्जाम में पास हो जाएंगे आपको ये कर लिया जाएगा बहुत अच्छी चीज बताई सर यही कंडीशन सर हमारे प्लांट में अभी जैसे सर यहाँ पे क्या था कि एक्चुअली हम लोग पावर जनरेशन के फील्ड से हैं बीच में सर ये COVID-19 की वजह से हमारे जो मैन पावर था ऊपर से गाइडलाइंस आई कि आपको इतने कम मैन पावर में प्लांट चलाना है सर हम लोग ने भी उसी से मोटिवेट होकर कि हम लोग ने अपने ऑपरेशन उसमें चेंजेस किया सर मैं आपसे एक अपने प्रोफेशनल उसके लिए पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ डाउन दी लाइन कई सारे फिटर्स वेल्डर सुपरवाइजर ग्राउंड स्टाफ ये सब काम करता है सर तो हम उनको किस तरीके से मोटिवेट करें सर कई बार क्या होता है सर कि मान लीजिए कोई घर से आया उसका मुंह थोड़ा ऑफ और हमको टारगेट है कि ये मशीन को मेंटेनेंस हमको दो घंटे में ही करके देना है तो सर हम उनको कैसे मोटिवेट करें सर ठीक है बस यही था बता जवाब दूं जी सर यस देखिए सर्वे किया गया था कि लोग मोटिवेट किस तरह होते हैं ठीक है विजय सर सुनिएगा मैसेज सर आवाज आ रही मेरी जी सर आ रही है आवाज आ रही है सर सुनिए एक सर्वे किया गया कि लोग मोटिवेट किस तरह होते हैं तो देखा गया कि सर आवाज आ रही है मेरी आ रही है आप माइक बंद करिए मेरी बात सुनिए ना मेरी तो आ रही है ना सुनील माइक बंद कर दीजिए सर बोलिए आप संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को जी मुझे बोलने दीजिए ना भाई सुनील आपका प्रश्न हो गया सर जवाब देना चाह रहे हैं अपन माइक अपना बंद करेंगे तो आवाज क्लियर रहेगी सर की क्या दूं जवाब जी सर बिल्कुल देखिए एक सर्वे किया गया कि लोग मोटिवेट किस तरह होते हैं सर बस क्लियर दिया रही है देखता हूँ एक बार देखता हूँ मेरा तो है मतलब मीटिंग में मेरा दिख भी रहा है चेहरा भी दिख रहा है सब दिख रहा है आ रही सर क्लियर आवाज आ ये रही माइक बोलिए सर आप बोलिए वो आ जाएगी सर आपकी आवाज क्लियर सर आपकी आवाज क्लियर आप कर दीजिए सर प्लीज बाकी लोगों के माइक कराइए तभी आएगी आवाज प्लीज बाकी लोग अपना माइक बंद कर ले सुनील आप भी बंद कर लीजिए अपना बोलो जवाब दूं यस प्लीज कंटिन्यू करें सर प्लीज कंटिन्यू करें देखिए इन्होंने पूछा कि मैं अपने वर्कर्स को या सबॉर्डिनेट को मैं कैसे उसको मोटिवेट करूं दिस वाज द क्वेश्चन ये सभी के लिए है आवाज आ रही है सर नहीं आ रही आवाज आ रही आप कंटिन्यू करिए सर प्लीज मैं कह रहा था कि उन्होंने पूछा कि
मैं अपने सबऑर्डिनेट को या वर्कर्स को मोटिवेट किस तरह करूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वे किया गया था कि लोग मोटिवेट किस चीज से होते हैं, लोग किससे मोटिवेट होते हैं, भय से होते हैं, प्रेरणा से होते हैं, तो देखा गया कि 75% लोग जो है एप्रिसिएशन से मोटिवेट होते हैं, किससे, बहुत बढ़िया, एप्रिसिएशन से, यानी आप उनकी प्रशंसा करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, किसी को डरा के आप मोटिवेट नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, डरा के आप एक बार काम ले सकते हैं, अगर आपको मोटिवेट करना है तो आपको उसे एप्रिशिएट करना होगा, उसके अच्छे काम को, उसकी काबिलियत को, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप एप्रिशिएट करें, अगर वो कहीं कमजोर पड़ रहा है तो आप उसकी मदद करें, अगर वो किसी मानसिक तनाव में है तो मानसिक तनाव दूर करें उसका, उसको बताएं कि आप उसके साथ हैं, पूरा परिवार उसके साथ है, पूरी इंडस्ट्री उसके साथ है, तो वो अच्छा काम कर पाएगा, डरा के धमका के या सैलरी कट करके कोई मोटिवेट नहीं होता है, मोटिवेट आदमी होता है प्रशंसा से, तो एप्रिशिएशन इज द की ऑफ मोटिवेशन, आप उसकी तारीफ करें काम की, उसकी काबिलियत की, उसकी योगदान की, उसकी निष्ठा की, आपके साथ जुड़ाव है उसका एसोसिएशन, उसकी तारीफ करें, और यदि वो संकट में है तो मदद करें, इससे वो अप्रिशिएट होगा और मोटिवेट होगा, ये मेरा जवाब है। चलिए और कोई, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है, और बहुत सवाल पूछ रहा हूं जी, ये ऑडियंस में से देख लें, ऑडियंस पार्टिसिपेशन में से, पार्टिसिपेंट करें, जो पार्टिसिपेंट सभी क्वेश्चन करना चाहते हैं अपना माइक अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से, जो भी डाउट्स हो प्लीज। चलिए है ना, तो डाउट्स नहीं है तो सर, हाँ संदीप जी आप पूछ सकते हैं, है ना, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सर जैसे अभी लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारी चीजों में फ्लो टूट गया सर, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं बाकी सबके साथ भी समस्या होगी, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है सर कि एक जो अगर हम कोई काम रोज रोज करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में रहता है और एक फ्लो बना रहता है, अभी फ्लो भी टूट गया, संभावनाएं भी थोड़ी इधर उधर हो रही हैं, तो ऐसे मौके पे सर अब जब से रिया स्टार्टअप के लिए क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा भीतर से एक भविष्य को लेकर एक डर सा भी तैयार होता है, फिर थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि हाँ चलो ठीक होगा, हम कुछ नया भी कर सकते हैं, या कि जो हम कर रहे हैं तो वो रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये दोनों चीजें एक साथ बड़ी द्वंद में है, तो मतलब इसमें सर मैं पता नहीं आपसे क्या जानना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे सर। ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, जवाब दूं जी सर। जी हम सभी अपने अपने कार्य में एक धारा में बह रहे थे, सडनली एक ऐसा माहौल बना, चीजें महामारी आई, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं था, पूरा विश्व इससे पीड़ित है, ये मेरी समस्या नहीं है, आपकी नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, हमारी पूरी मानवता जो है, पूरी सृष्टि जो है वो ट्रैक से बाहर चली गई, बहुत ऐसी चीजें आई जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, ऐसा सदियों में एक बार होता है, तो डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है, लेकिन आप देखिए कई लोगों ने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है जी, कई लोग इस अवसर को, इस अवस्था को, इस दशा को उन्होंने अवसर बना लिया, आप देखिए यूट्यूब पे देखिए कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कई लोग नई चीजें कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस काम कर सकते हैं, कोई कविताएं लिख रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है, कोई किसी ने नया बिजनेस तलाश कर लिया, किसी ने ऑनलाइन टीचिंग कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, कहने का मतलब ये है कि संभावनाएं हैं, आपको ढूंढना है कि संभावना कैसे आपके लिए क्या अवसर है सामने, अभी देखिए लोग किराना होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट में किसी को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करा रहा है, कहने का मतलब ये है कि सबने अपने अपने अवसर तलाश कर लिए, ये मानव का स्वभाव है कि वो अवसर तलाश कर लेता है, और एक बात है कि ये आप जो भी आपका काम है, अगर आप लिखते हैं, आप कोई भी सृजन का कार्य आप करते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि इस समय जो लॉकडाउन का पीरियड है वो एकांत का पीरियड है, और जो तपस्या है, जो साधना है, वो एकांत में ही होती है, तो आप उस अवसर को फायदा लेते हुए आपको जी सर आपकी आवाज कटी, मानवता कभी भी खत्म नहीं होगी जी, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे उस वक्त अगले साल आपको हैरानी हो रही हो कि पिछले साल हम लोग ऐसे घर में दुबक के बैठे थे जी जी, मुमकिन है कि अगले साल आपको हैरानी हो कि हम पिछले साल इस तरह दुबक के बैठे थे, तो चीजें बहुत जल्दी सामान्य हो जाएंगी, इंसान जो है बहुत बड़ी शक्ति है इंसान में,
अपने हौसला बनाए रखना है और जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करें, जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो कर लें, और बड़ी उपलब्धियां जो है, जो तपस्या है, जो साधना है, वो एकांत में ही होती है। तो अनिश्चितता से न घबराएं, अपने आप को इंप्रूव करें, समृद्ध करें, नई नई चीजें सीखें और पॉजिटिव रहें। ये सोचिए कि ये जो टाइम मिला है मुझे पेंडिंग काम करने के लिए, मैं बहुत जल्दी जब नॉर्मल होगा तब मैं इस ज्ञान का उपयोग कर पाऊंगा जो मैंने आज लिया। तो ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव रहें, समय बहुत जल्दी ठीक आने वाला है। जी जी, यानी लॉकडाउन एक वरदान है इस दृष्टि से, इस दृष्टि से। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत सही। जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर ऑडियंस में से किसी और का प्रश्न है क्या? यदि नहीं है तो फिर प्रश्न तो नहीं है, नहीं है, लेकिन दोनों कवि हमारे सामने मौजूद हैं। वाह वाह, सुखवानी सर भी है जिन्होंने हमें विजय पथ पे चलने का मार्गदर्शन दिया है, और साथ में कवि संदीप द्विवेदी जी भी हैं। तो उनके लिए मैं एक ही चीज कहता हूँ कि सेनानी करो प्रयाण, अभय आकाश तुम्हारा के गुस्से तुम्हारा है। जो चीज कही बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर, मैं आप सब लोगों को खानदार रहा, संदीप भाई से भी रूबरू हो गया मैं, मुझे अच्छा लगा। और और हमारे अरदास सर का बहुत बहुत आभार, एक बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने हेल्प किया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, तो ऑडियंस में से किसी और को कोई प्रश्न है क्या सर? ठीक है सर, या फिर मैंने एक प्रश्न दिया था जो अंतिम प्रश्न था एक्चुअली आज के कार्यक्रम का। सर इसके पहले एक मेरा एक प्रश्न है, अगर किसी के पूछे। सर अपने जो पुराने बुरे अनुभव हैं या कि पुराने कुछ कुछ गलतियां हैं, कुछ भूले हैं, वो स्मृति में आती हैं, हम उससे कैसे उभरें? और वो अपना जो कुछ काम, एक थोड़ा सा एक बुरा अनुभव जो भीतर से एक कसौटता है या कुछ भी इस तरीके से, हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बस यही पूछना है, बोलू? जी सर, जी सर। देखिए क्या होता है, हर आदमी के पास कुछ सुखद स्मृतियां होती हैं, कुछ दुखद स्मृतियां होती हैं, ठीक है जी। सुखद को तो रख लीजिए अपने पास, कायम रखिए, वो आपको आगे उजाला देंगी, रास्ता देंगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो दुखद है उनको आप मिटाने की कोशिश करिए। कैसे करिए? ऊपर एक लेयर बनानी होगी, लेयर बनानी होगी अच्छी बातों की, अच्छे ज्ञान की, अच्छी जो अनुभूतियां हैं उनकी। तो आप अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी चीजें पढ़ें, पॉजिटिव चीजें पढ़ें, स्पिरिचुअल चीजें पढ़ें, तो आप धीरे धीरे आपके उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, तो वो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और आगे आप जब बढ़ते जाएंगे तो आप लुप्त हो जाएंगे। अभी क्या हमारे पास बेस में वही चल रहा है, बेस में चल रही है वो स्मृतियां, ऊपर से कुछ ज्यादा है नहीं। तो जितना अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, जितना आध्यात्मिक चीजें पढ़ेंगे, जितना स्पिरिचुअल चीजें पढ़ेंगे, प्रेरणा के विचार पढ़ेंगे, मोटिवेशनल चीजें पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही रहेगा यार वो दुख तो एक हिस्सा था जिंदगी का, निकल गया, जाने दो, अभी क्या आगे बढ़ो। तो धीरे धीरे वो जो एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर डालना पड़ेगी, हटेगी दूसरी लेयर डालने के लिए आपको अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। आप तो मेरे संपर्क में रहे, यही मंत्र है। चलिए सर, आपके संपर्क में ही है। चलिए सर, चलिए सर। तो ये सर, सर इसमें क्या है, आज का जो वेबिनार है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का भी प्रोविजन है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको मेल पर एक लिंक दिया गया होगा, वेरिफिकेशन कोड और फीडबैक फॉर्म। तो जैसे ये वेबिनार कंप्लीट होता है तो आप एक वेरिफिकेशन और फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसमें एक आज का वेरिफिकेशन कोड है 2021, ये आज का वेरिफिकेशन कोड है। तो जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें ये वेरिफिकेशन कोड आपको लगेगा, और आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है आपकी ईमेल आईडी में आ जाएगा। तो जो भी पार्टिसिपेंट है प्लीज नोट कर लें, वेरिफिकेशन कोड 2021 2021। जी सर, आपने मैसेज भी कर दिया है। हाँ जी, है ना। तो ये आप जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनकी मेल आईडी में एक लिंक होगा, उससे वो सबमिट कर सकते हैं। चलिए सर, और सुखवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया उन्होंने, और ये मोटिवेशन हम सभी आगे तक बनाए रखेंगे। और क्लोजिंग सेशन में जैसा कि सर ने एक रिक्वेस्ट किया है हमारे प्रिंसिपल सर ने, कि अब लास्ट है, क्लोजिंग है, तो एक शायरी के साथ। सुखवानी सर अपने माने हुए शायर हैं, दूरदर्शन में और अन्य टीवी चैनल्स में उनकी मैंने पार्टिसिपेट करते रहते, कवि सम्मेलन में शिरकत करते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि समापन जो है शायरी से हो। सुखवानी जी की सर,
मेरी नहीं, मैं बशीर बद्र साहब की जैसा सर ने कहा है वो सुना देता हूँ, क्योंकि सर बशीर बद्र साहब की सर आपका सर नंबर एक बार और सर रिपीट कर इसका मेरा 9487 इसका मेरा ना 9424 87 यस सर 9424 87 8696 मेरी वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट पे जाए सब कुछ दिया हुआ है, चिंता ना करें, मेरी वेबसाइट पे जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब जगह जुड़ सकते हैं आप जी। थैंक यू सर। अब मैं पढ़ता हूँ बशीर बद्र साहब की कविता, पढ़ रहा हूँ, जडेजा साहब को समर्पित करता हूँ, उन्हीं का आदेश है, पढ़ रहा हूँ। ये कविता थोड़ी सी मोटिवेशनल भी है, इसके एक दो जो बंद है, एक दो जो शेर है मोटिवेशनल है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और जो मोटिवेशनल लाइन है वो ये है कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पर मेरी नजर है, ये सबके लिए पैगाम है, जो पार्टिसिपेंट थे उनके लिए पैगाम भी है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मंजिल पर मेरी नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात, बहुत ही सुंदर। जिस दिन से चला हूं मंजिल पर मेरी नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और बेवक्त घर पहुंचूंगा तो सब चौंक उठेंगे। ये आज के इंसान की कहानी है साहब, आदमी सुबह घर से निकलता है, रात को घर आता है, नौकरी के रोजगार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, तो कहते हैं कि बेवक्त घर पहुंचूंगा तो सब चौंक उठेंगे, एक मुद्दत हुई दिन में अपना घर नहीं देखा। अरे वाह, ओ हो, एक मुद्दत हुई दिन में अपना घर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मौम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। छूकर नहीं देखा, और ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं। आदमी बताता है कि मैं जो कामयाबी हासिल की है वो ऐसे ही नहीं मिली मुझे, ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मंजिल पर मेरी नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बर्दाश्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने जुड़े हैं। सर हम चाहते हैं, सर हम चाहते हैं हम आपको हमेशा बर्दाश्त करते रहे, आप इन बातों से प्रेरणा लेते रहे। थैंक यू विजय सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ये पूरा रिक्वेस्ट थी, ताकि मेरा वो आपको मिलता रहे मोटिवेशनल वीडियो। जी जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। हां सर, यस बोलो। सर आपने लास्ट में एक कविता लिखी थी, मोटिवेशनल थी वो, जिसको आपने सुनाया था, मैं चाहूंगा सर कि वो हम सबके साथ साझा की जाए, बहुत ही मुझे याद नहीं आ रही मैंने कौन सी, बहुत सारी कविता लास्ट में आपने कहा, लास्ट में आपने कुछ सुनाया था मुझे, मेहनत पे सुनाया था आपने, आपकी कविता चलिए। नहीं मुझे याद नहीं, बहुत सारी कविता नाम बताओ, बोल सकता हूँ कविता मेरी बहुत सारी। सर बिल्कुल ध्यान से उतर रही है, आपने सुना था, कोई बात नहीं, तो ये मोटिवेशन बरकरार रखना है हमको, और मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टाफ की ओर से सर का ये थी एक और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द हम एक वीक सप्ताह के अंदर एक और समुचित किसी विषय पर एक और वेबिनार लेकर के हाजिर होंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। चलिए सर, सुपानी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला। हाँ सर, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज आप हमारे मंच पर आए, हम आभारी हैं आपके, और मैं सर की सभी की अनुमति से वेबिनार क्लोज करने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा सर, और जो भी फीडबैक हो तो आप है ना ये सर से भी बात कर सकते हैं। चलिए सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय आज के इस वेबिनार के लिए निकाला, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका बहुत कीमती समय हमने लिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं क्लोज करता हूँ सर। Thank you, sir. Thank you very much for this wonderful session, especially in this lockdown period. Thank you very much, sir. Okay, ma'am. Okay, thank you very much, ma'am. Thank you, sir.
citizen. Excellent presentation.